गुड मॉर्निंग बच्चों, ओके सो आज कितने लोगों की पहली क्लास है? गुड, ज़्यादा नहीं। बेटा FM कहाँ से रखोगे? वो ओके। सो हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे थे। फ्लावरिंग प्लांट में जो मॉर्फोलॉजी थी उसमें हम लोगों ने रूट पढ़ लिया था और स्टेम पढ़ लिया था। रूट की मॉर्फोलॉजी कैसे हो सकती है, स्टेम की मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है, वो पढ़ लिया था। जिसमें से हम लोगों ने सीड के पार्ट पढ़े थे और पढ़ा था एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट, एक था एपिकोटाइल, दूसरा कॉटिलेडन के ऊपर एपिकोटाइल, कॉटिलेडन के नीचे हाइपोकोटाइल से क्या बनता था रूट, और एपिकोटाइल से क्या बनता था सूट सिस्टम बनता था। तो हम लोगों ने देखा था रूट तीन प्रकार की थी, टैप रूट, फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस। फिर हम लोगों ने शूट पढ़ा था और पढ़ा था कि ये डिसेंडिंग पार्ट है कि असेंडिंग, बहुत बढ़िया असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग पार्ट पढ़ने पर हमने पढ़ा था कि इसमें लीफ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर। फिर हमने पढ़ा था इसमें नोट्स और पढ़ा था नोट और इंटरनोट के अलावा हमने दो बर्ड्स पढ़े थी, एक एक्सिलरी और एक कौन सी बर्ड थी, एक एक्सिलरी बर्ड पढ़ी थी, दूसरा एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड के अपने अपने काम थे, उन्हें बताए थे। फिर मैंने बताया था रूट और स्टेम में कंपेयर करके उनके फंक्शन को। तो मैंने बोला था रूट में चार मेन फंक्शन है और स्टेम में तीन। रूट के चार फंक्शन याद है? बहुत बढ़िया। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंकरेज, यस, स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ पीजीआर। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ। तो शूट पढ़ाया, तो शूट में पढ़ाया कि भाई इनके तीन मेन फंक्शन है, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, ओके, एंड द कंडक्शन ऑफ दैट इज फूड फ्रॉम लीफ टू रूट, और तीसरा क्या, बियरिंग ऑफ ब्रांच, फ्लावर एंड पक्का। चलो भाई सरताज जी खड़े होइए। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम किन किन बातों के लिए होते हैं, केवल लिस्ट बताइए। शाबाश, अच्छा सरताज तुम पहले भी आए थे फिर बीच में चले गए, फिर तुम आ जाए हो। पहले तुम खूब अच्छे तरीके से सोच लो कि तुम्हें सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना है कि बस ऐसे घूमते फिरते। आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ। अगर अपना करियर तुम बहुत फोकस रखना चाहते हो तो ये वो क्लास नहीं है जिसमें इस तरीके की हालत बर्दाश्त की जाएगी। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, वो जो पढ़ाई करें, और उनके लिए मैं बहुत खतरनाक भी हूँ जो पढ़ते नहीं हैं। तुम्हारे अलावा सबको मालूम है रूट का मॉडिफिकेशन कितने चीज़ों के लिए, याद है? एक कौन, स्टोरेज, सपोर्ट, कनेक्शन, और स्टेम में चार, याद है? पांच, स्टोरेज, और सरताज पता क्या होगा, होगा कुछ नहीं, तुम अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे और तुम हमेशा के लिए क्लास छोड़ दोगे, और तुम जब हमेशा के लिए क्लास छोड़ दोगे तो तुम फिर परेशान होगे। इसलिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े क्लास में छोड़ना, कितना भी दोस्त कहे कि नहीं रहने दो, बस इस साल क्लास में छोड़ना, आपकी आदत बन जाएगी क्लास करने की। क्लास छोड़ना है, छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ी तो फिर तुम देखना साल भर में, छह महीने में तुम्हारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे चेंजेस होते हैं चीजें।
फोकस्ड हो जाओगे, थोड़ा पढ़ाई करने लगोगे। क्लास बैठो, शाबाश, ध्यान से। तो भाई हम लोगों ने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, और आज किसकी बारी है? लीफ, लीफ की। अच्छा, अगर कुछ ना बताया जाए तो मालूम है भाई, अंडरग्राउंड मो पोर्शन मोस्टली इट इज अ रूट, अबव द ग्राउंड पोर्शन इट इज अ स्टेम। फिर सब लोगों को लीफ तो बनाना आता ही है कि सर ये लीफ हो गई, पर जब मैं लीफ के बारे में पूछूंगा व्हाट इज लीफ, तो आप चार पांच बातें बोलेंगे। ये बोलना पढ़ना चाहिए, सबको आना चाहिए। लीफ जनरली स्टेम के लैटरल में निकलती है, या तो राइट या तो लेफ्ट, तो इट इज अ लैटरल स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, इट इज अ लैटरल स्ट्रक्चर, स्टेम के या तो लेफ्ट में निकलता है या तो राइट। इसके अलावा इट इज अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैट है, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, लैटरल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर यही है, चपटा चौड़ा यही स्ट्रक्चर है। बॉर्न ऑन, जहां पर बॉर्न होगा उसे बोलेंगे नोड। फिर से बोलो, नोड, इट विल बी बॉर्न ऑन नोड। ये तीन पॉइंट बोलने हैं लीफ के बारे में। कैसा स्ट्रक्चर है? लैटरल। और कैसा? फ्लैट है। कहां बॉर्न होता है? नोड। और मैंने पढ़ाया था मेन स्टेम और ब्रांचेस या लीफ के बीच में दो कोण होते हैं, दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस, न्यून कोण और अधिक कोण। जो न्यून कोण है उसे बोलते हैं एक्साइल। बोलो क्या? और यहां पर एक बड प्रेजेंट होगी, नाम है एक्सिलरी बड। तो पत्ती को पहचानने के ये चार तरीके हैं, और जितने लोग भी ये चारों तरीके समझा देंगे मैं समझूंगा वो एकदम सही चल रहे। बताओ ये कैसा स्ट्रक्चर है? पहली बात तो ये लैटरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैट है। कहीं भी बॉन्ड होता है कि नोड्स पर? और नोड्स पर बॉन्ड होता है वहां पर कौन सी बड होती है? एक्सिलरी। तो बोलो लीफ को पहचानने के तरीके में क्या चाहिए हमें? नोड्स चाहिए, और क्या चाहिए? एक्सिलरी बड। अगर एक्सिलरी बड प्रेजेंट है तो ये लीफ है, अदरवाइज लीफलेट नहीं है। आगे आगे ध्यान से सुनो, जब भी तुम किसी लीफ को देखोगे तो तीन बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे। देयर आर थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स। एक तो लीफ का पोर्शन होगा जिसे बोलेंगे लीफ बेस, दिस इज नोन एज लीफ बेस। इसके अलावा सबसे फ्लैट स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज लमाइना, या फिर इसी को बोलते हैं लीफ ब्लेड। लीफ बेस और लमाइना के बीच में थिन स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नोन एज पिटियो। पिटियो जो लमाइना होगी इसमें वेन्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क होगा। It will have the network of veins and venlets. और इसमें सबसे बड़ी वाली वेन जो बीच वाली होगी, it is known as midrib. इसे हम लोग midrib के नाम से जानेंगे. Okay? अब ज्यादा परेशान मत हो, सोचो मत, इंसल्ट उनकी होती जिनकी क्या हो, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब कूल होकर के सोचो। इधर देखो, जो मैं क्वेश्चन पूछू जवाब दो। गुस्सा हो गया क्या? है गुस्सा वुस्सा नहीं होता, और गुस्सा हो जाओगे तो क्या कर लोगे? चलो भाई, तो लीफ के कितने पार्ट? तीन। लीफ के कितने पार्ट? तीन। वन इज लीफ बेस, पिटियो और लमाइना। तो बताओ इतने स्ट्रक्चर, इतने शब्द अगर बोलने आ गए आपको तो अपने आप इमेज बनेगी। बताओ पहला स्ट्रक्चर लैटरल, क्या ये स्टेम में लैटरल स्ट्रक्चर है? या तो लेफ्ट या तो राइट। बताओ कैसा है? फ्लैट है। सबसे ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर है। और बताओ नोड्स पर ग्रो करेगा, और इसकी एक्साइल में हमेशा क्या होगी? एक्सिलरी बड। फिर से बोलो, और कितने पार्ट होंगे? तीन। नंबर वन लीफ बेस, पेटियो। अब ध्यान सुनना, दो प्रकार की पत्तियां आप देखोगे,
एक ऐसी पत्तियां जिनमें पिटियोल होगा, ऐसी पत्तियों को हम लोग बोलेंगे पिटियोलेटेड, और एक ऐसी पत्तियां भी होंगी जिनमें लीफ बेस होगा, लमाइना होगा, लेकिन पिटियोल नहीं होगा, दीज आर नोन एज सेसाइल। तो बताओ कितने प्रकार की पत्तियां हो सकती हैं? दो, जिनमें पिटियोल हो उन्हें क्या बोलेंगे? पिटियोलेटेड। और जिनमें बेटा पिटियोल ना हो उनका नाम सेसाइल। तो आप देखेंगे सेसाइल लीव्स भी हो सकती है और पिटियोलेटेड लीव्स भी हो सकते हैं। तो इतना अगर सीख पाए तो काम बनेगा, और ये देखने से आता है। बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? क्या आपको स्टेम दिख रहा है? स्टेम में एक पत्ती दिख रही है? कैसे डिफाइन करोगे? चार पॉइंट याद है? पहला लैटरल फ्लैट, बॉर्न ऑन नोड, और एक्साइल में एक्सिलरी पार्ट। कितने पार्ट? तीनों दिख रहे हैं? बोलो कौन? लीफ बेस, लीफ बेस पिटियोल, पक्का? अब एक एक की डेफिनेशन ध्यान से सुनो। व्हाट इज लीफ बेस? लीफ बेस इज द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। लीफ बेस वो पार्ट है लीफ का, पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट अटैच टू द स्टेम। ये स्टेम में अटैच होती है जिस पार्ट से, उस पार्ट का नाम है लीफ बेस। और याद रखना, लीफ बेस को पहचानने का एक और तरीका है, इस लीफ बेस से अटैच होती हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस, एंड दीज लीफ लाइक अपेंडेजेस आर नोन एज स्टिप्यूल। जो नहीं सुनेंगे वो गड़बड़ करेंगे। अगर मैं बिना स्टेम की लीफ तुम्हें दिखाऊं तो तुमको ऐसे लीफ दिखाई पड़ेगी बिना स्टेम की, और अगर मैं बोलूं कि ये लीफ बेस है तो यहाँ दो लीफ लाइक अपेंडेजेस निकले होंगे, एंड दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज स्टिप्यूल। इन्हीं को हम लोग स्टिप्यूल बोलेंगे। तो अब बताओ, लीफ के एक्साइल में दो तीन चीजें मिल गई। एक तो मिली थी एक्सिलरी बट, बोलो कौन सी बट, और दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया? स्टिप्यूल। ओके, नाउ दिस लीफ बेस, इस लीफ बेस के कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो लीफ बेस कैन बी मॉडिफाई इनटू टू वे। वैसे तो बहुत तरीके हैं लेकिन मेनली टू वेज है। देखो दोनों वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये लीफ है आपकी, और मान लीजिए कि ये पिटियोल है आपका, और इसके बाद लीफ बेस। सो इफ लीफ बेस बिकम सीथ लाइक, सीथ लाइक जैसे कि कागज हो, सीथ लाइक, इट इज नोन एज सीदिंग। सीथ लाइक इट इज नोन एज सीदिंग। मुझे मालूम है आपको जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दिखने के लिए तुमको याद करता हूं। गन्ना याद करो, गन्ना देखा तुमने? अब गन्ने की पत्तियों को गन्ने से हटाते हुए देखो तो क्या उसमें एक सीथ निकलती है? यस, दैट इज नोन एज सीदिंग। बोलो क्या है? क्या आपको भी मक्का देखा? मक्का, मक्के की पत्तियां जो अटैच होती हैं उसमें पिटियोल नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि क्या दिखाई पड़ती है? सीथ। कंडीशन का नाम सीदिंग। नहीं देखा? कितने लोगों ने गन्ना और मक्का नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों कंफ्यूज है कि सर वो गन्ना था कि मक्का था? क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्या लीफ बेस हमेशा इसी तरीके का दिखेगा? नो, कभी कभी वो कैसा हो जाएगा? सीथ लाइक। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सीदिंग। और सीदिंग कंडीशन, दीज आर सीदिंग कंडीशन, दे आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट। कहां पर प्रेजेंट है? तो आपको मालूम है वीट में सीथ मिलेगा, राइस में सीथ मिलेगा, मेज में सीथ मिलेगा, और सुगर केन में भी सीथ मिलेगा। आपके एनसीईआरटी में सीथ लाइक लीफ बेस दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया है? देखो क्या दिया है, तुमने देखा ही नहीं। सीथ लाइक लीफ बेस, बोलो डायकॉट की मोनोकॉट? हाँ, चलो अभी कल इसमें एनसीईआरटी आ जाएगी तब मैं तुम्हें खुद लाइन पढ़ पढ़ के सिखाऊंगा। चलो भाई, लीफ के कितने पार्ट?
पता नहीं, बोलना तो पड़ेगा, ये तीन है। वन इज नोन एज लीव बेस, दूसरा पीटीओ, तीसरा लेमन। अभी मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ? पूरी लीव की लीव बेस की? लीव बेस पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम से अटैच है। अच्छा बताओ क्या इसके कुछ मॉडिफिकेशन है? जैसे मोनोकॉट में ये कैसा हो गया? शीतला है। मान लो पत्ती का ये पार्ट है लीफ, ये रहा पेटियोल और ये रहा लीफ बेस, और लीफ बेस स्टेम में जाकर चारों तरफ अटैच्ड हो जाए लाइक दिस, तो बताओ ये शीत लाइक हुआ? यस। कंडीशन का नाम सीडिंग, और सीडिंग कंडीशन कहाँ है? मोनो। एक और बात है, सम टाइम लीफ बेस बिकम स्वॉलन, कभी कभी लीफ बेस जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है लाइक दिस। This swollen leaf base, it is a condition known as pulvinus. इस condition को हम लोग बोलते हैं pulvinus. Pulvinus जो condition है ये family Fabaceae में पाई जाती है। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे कि सर पढ़ाए तो हो नहीं, बस बोल देते हो family Fabaceae। रुक जाओ दो मिनट में तुम्हें सिखाऊंगा। और इसके अलावा mango का plant का कभी leaf देखिएगा, मैंगो का अगर आपने पत्ता देखा है तो उसके पत्ते का लीफ बेस जो होगा वो थोड़ा स्वेलन मिलेगा, कंडीशन इज नोन एज पल्विनस। आम का पत्ता सबने देखा होगा ऑलमोस्ट जो गांव में रहते हैं, देखा है? अगली बार देखिएगा और उसका लीफ बेस स्वेलन देखिएगा, दैट इज नोन एज पल्विनस। पल्विनस एक और फैमिली में पाया जाता है, इसका नाम बताओ? फैबेसी। फिर से बोलो। देखो जब ज्यादा मुश्किल हो जाए, मुश्किलों को ऐसे हटाते हैं, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल। अब बताओ लीफ में कितने पार्ट? अब दिखाओ मुझे, तीन तीन पार्ट हैं। बताओ ये वाला क्या है? लमाइना। बताओ ये वाला क्या है? और ये क्या है? क्या ये लीफ बेस है? तो सर ने कहा सर तीन पार्ट हो सकते हैं, वन इज लीफ बेस, दूसरा लमाइना हो गया, और तीसरा। अच्छा अच्छा ये क्या है? पीटीओ। बहुत बढ़िया शाबाश। और ये क्या है? लमाइना। अब बताओ तीन पार्ट में से मैंने आपको कौन सा पार्ट पढ़ाया? लीफ बेस। और लीफ बेस हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी लीफ बेस शीत लाइक हो जाएगा। शीत लाइक होगा तो क्या स्टेम को चारों तरफ से लपेट लेगा? बताओ ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सीडिंग। फिर से बोलो। सीडिंग। डायकॉट की मोनोकॉट? और कभी कभी बेटा इट बिकम स्वेलन, कैसा हो जाएगा? स्वेलन। बताओ क्या? पल्विनस। आज मैं कोई भी एग्जाम्पल पढ़ाने के पहले आपके साथ कुछ कॉमन बातें करता हूं, कॉमन। इनका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं, ये बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, और इन्हें प्लीज आज रिवाइज करिए, जब तक आपको ना आ जाए तब तक रिवाइज करिए और फील करिए मेरे साथ, फिर आपको देखना ये एग्जाम्पल रटना भूल जाओगे, समझना चालू कर दोगे एग्जाम्पल। यहां पर मैं कुछ फैमिलीज लिखूंगा, जैसे एक फैमिली का नाम है फैबेसी। फाबा एक बीन का नाम है, बीन मतलब फली, फली मतलब पी फैमिली। तो जब मैं फैबेसी बोलूं तुम पी फैमिली समझना, और पी फैमिली में सारी ऑलमोस्ट दालें आती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं पी, ओके सर, मैं बोलूं ग्राम, ग्राम मतलब चना, ओके, मैं बोलूं ग्राउंड नट, व्हाट इज ग्राउंड नट? मूंगफली। इसके बाद मैं बोलूं अरहर, हिंदी में सुने हो? अरहर, मूंग सुने हो? ये जितनी भी दालें हैं, मतलब पल्सेस जितनी भी हैं, इस फैमिली के मेंबर है, इसी फैमिली के मेंबर है। मतलब पी, ग्राम, ग्राउंड नट, ऑल द पल्सेस, ऑल द बीन। कोई बोले सर बीन की फैमिली बता दो, इट इज फैबेसी। तो पहले फलियों को देखने की कोशिश करो, क्या क्या फली में देखा है तुमने? मूंगफली देखी है? yes, मटर की फली देखी है? yes, अरहर की फली नहीं देखी तो गांव में जाके देख ले। देखी है? yes, चने की फली देखी है? yes, चना भी फली में निकलता है, लेकिन एक एक सीड का फली है वो, तो चने की भी फली है। तो फली वाली फैमिली इट इज नोन एज फैबेसी। तो एक फैमिली मैंने तुम्हारे सामने लिखी फैबेसी, ऐसे पहचानोगे। अब एग्जांपल मैं बोलूं, बताओ पल्विनस किस में पाया जाता है, तो रट्टा नहीं मारो, बताओ पल्विनस कहाँ पाया जाता है? पी में, ग्राम में, ग्राउंडनट में, पल्सेस में, बीन में। बताओ तुमने रट्टा मारा कि सोचा? क्या सोचा?
सारी फैमिली जिसमें क्या हो फलियां, उस फैमिली का नाम फैबेस। फिर से बोलो। अब भाइयों बहनों दूसरी फैमिली, कॉमन बात बता रहा हूं मैं अभी ताकि रट्टा ना मारना पड़े, इस वजह से बता रहा हूं। दूसरी फैमिली मैंने कभी ना कभी आपको सिखाई थी, आज फिर सीखो। इट इज नोन एज सोलनेसी, और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है टोपी। हाँ टोपी, इसके फलों में टोपियां पाई जाती हैं। बताओ ये बैगन है? बैगन में टोपी पाई जाती है? तो जो भी बेटा कैप वाली फैमिली तुम्हें दिख जाए दैट इज सोलनेसी। चलो पता लगाते हैं। वन इज पोटैटो, बोलो कौन? पोटैटो में सर फली नहीं है, सॉरी कैप नहीं है, है। लेकिन जो पोटैटो तुम देख रहे हो वो फल है कि स्टेम है? स्टेम। तो पोटैटो इसी फैमिली का। इसके अलावा धतूरा, बोलो कौन? क्या धतूरा की कैप देखी है? धतूरा जानते हो? हाँ धतूरा भी इसी फैमिली का है, पोटैटो धतूरा। इसके बाद ब्रिंजल, सबसे नॉर्मल बात है ब्रिंजल। इसके अलावा मिर्च, क्या बोलते हैं? चिली, वेरी गुड चिली। इसके अलावा मकोई, नाम सुना है? इट इज मकोई, हिंदी में मकोई बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं सोलेनम निग्रा, याद रहेगा। तो आपको मालूम है इस तरीके की फैमिली में जिसमें भी टोपी हो दैट इज सोलेनेसी। बोलो धतूरा क्या है? सोलेनेसी। अभी लर्न करने की टाइम आएगा तो ये सब चीजें बड़ा काम आएगी, मैं पूछूंगा बार बार। बोलो सोलेनेसी में पोटैटो, धतूरा, ब्रिंजल, चिली, मकोई। क्या टोमेटो नहीं है? क्या टोमेटो में भी बेटा टोपी है? तो बताओ टोपी फैमिली इट इज नोन एज सोलेनेसी। अच्छा कुछ लोग हमारी तरफ देखने लगते हैं, कोई फर्क नहीं है, दो तीन साल से देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ये बोलो सोलेनेस, ये बोलो फैबेस। बताओ फैबेसी का पहचानने का तरीका क्या है? फैबेसी का पहचानने का तरीका फली, जिसमें भी फली है वो फैबेस। बताओ पनीर, सॉरी मटर पनीर निकलना है। मटर बोलने के साथ साथ पनीर निकला तो पनीर पहले आ गया, नहीं पनीर नहीं। ओके व्हाट इज मटर? फैबेसी हो गया। अच्छा बताओ बीन, ग्राउंड नट, क्या बात आ गया यार। तो चना, अरहर, मूंग, राजमा, जिसमें भी फली। और टोपी वाला दिख रहा है? बोलो सोलेनेसी होगा। टमाटर, मिर्च, गजब यार तुम लोग को तो बहुत आता है। अच्छा बताओ मकोई, आलू, ब्रिंजल। आप लोग अब रट्टा नहीं मार रहे हो लोगों का, आप फैमिली का रट्टा मार रहे हो, और फैमिली के रट्टा मारते ही 10-10 एग्जांपल आ गए। आगे अब मैंने बोला पल्विनस फैबेसी में पाया जाता है, पल्विनस। तो बताओ एग्जांपल, पांच एग्जांपल बताओ। बीन, ग्राउंड नट, राजमा, एवरीथिंग हो गया। तो उसने पूछा एक, तुमने बताया पांच, वो इंप्रेस हो गया, तुम्हें इतना कैसे आता है? आता है हमको, ठीक है। तो पहली फैमिली फैबेसी, दूसरी, तीसरी एक फैमिली है मैलवेसी। इसको ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगी, ऑल दो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसके एग्जाम्पल भरे पड़े। इस फैमिली में आता है चाइना रोज, इसी फैमिली में आती है कॉटन, चाइना रोज एंड कॉटन, आई थिंक भिंडी, नाम सुना है? इसी फैमिली के मेंबर है, आई थिंक इसी की है। इट इज लेडी फिंगर, ये तीन फैमिली में तीन मेंबर है, मैलवेसी के तीन नाम, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। कुछ लोगों को लेडी फिंगर में टोपी दिख रही, वो टोपी नहीं है, जरा उसको हटा के देखिएगा, टोपी नहीं है, वो उसका पार्ट है। तो कुछ लोगों के मन में आता है सर फंस गए सर, चाहे भिंडी में भी टोपी दिखती है, तो तुम कहेंगे आइटम हो तो ओके, वो भिंडी की टोपी नहीं है। अच्छा बताओ मैलवेसी हो गई, कितनी फैमिली पढ़ ली तुमने? अभी पढ़ाई नहीं फिर भी आ गए, तीन आ गए हैं। चलो तो मैलवेसी के एग्जांपल, पक्का। और एक बड़ी बढ़िया फैमिली है, इसका नाम है क्रूसी फेरी, क्रूसी फेरी।
या फिर इसी का नाम है ब्रैसिकेसी, ब्रैसिका, और इसमें एग्जांपल आता है मस्टर्ड। इसके अलावा इसमें एग्जांपल आता है रेडिस। अगर आप गांव से नहीं हो और अगर आपको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं है तो तुम मूली के पत्ते और सरसों के पत्ते को देखकर पहचान नहीं पाओगे कि इसमें मूली कौन सरसों कौन। अरे तुम पहचान लोगे, तुम किसान हो, सारे लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे। लोगों को मालूम नहीं है कि इमली को खेतों में उगा सकते हैं, हर साल इमली खेती करते हैं हम, हैं? बोला कुछ लोग कंफ्यूज हैं, हो सकता है करते हो। इमली के खेत होते हैं कि पेड़ होते हैं? पेड़ होते हैं। बताओ, हमें नहीं मालूम था। तो बताओ चार फैमिली के नाम बताओ। पहला तो एक हो गया फैबेसी, सोलेनेसी और ब्रैसिकेसी। अब मैं एग्जांपल पूछूंगा, बिना रट्टा मारे बताना। सोलेनेसी के पांच एग्जांपल। सोलेनेसी मतलब क्या? पक्का? आलू, टमाटर, आलू टमाटर मिर्च डाल करके सब्जी बना दिया, बैगन भी डाल दिया। तो आलू बैगन टमाटर मिर्च, ये बढ़िया सब्जी बन गई, बिना प्याज बिना लहसुन की सब्जी है। तो ये सब्जी सात्विक सब्जी है। कैसी है? ये वो लोग खाते हैं जो लोग सात्विक होते हैं। अच्छा, लहसुन प्याज की फैमिली होती है लिलियेसी। बोलो कौन? लिलियेसी। इतनी सारी फैमिली सर एक बार में नहीं आ रही, तो एक बार में चार गिनो। पहला कौन? फैबेसी। सर मटर भी डाल दें तो? मटर, आलू, टमाटर, बैगन, ये कौन सी सब्जी है? ये तो सर भंडारा हो गया। तो मटर इज शाबाश, मटर इज पक्का, आलू इज कॉटन इज, और अगर उसमें मस्टर्ड ऑयल ले लिया तो? तो देखो सब्जी बनाते वक्त क्या क्या यूज कर रहे हैं। हमने डाला तेल, फैमिली पक्का। अगर हमने ब्रैसिका सरसों तेल डाला तो ब्रैसिका पक्का। प्याज डाला तो लिलियेसी, लहसुन डाला तो मिर्च डाला तो, और इसको जब तक करते रहे जब तक लाल लाल प्याज ना हो गया। इसके बाद हमने आलू डाला तो, बैगन डाला तो, अरे वाह, इसके बाद हमने डाला मटर। बोलो और फिर आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया। खाना खाया, खाना खाने के बाद नशा करने के लिए धतूरा चढ़ाया तो? कौन सा? पक्का? अच्छा, बचपन का कनक कनक याद है? व्हाट इज कनक कनक? धतूरा। तो धतूरा इज नथिंग बट सोलेनेसी। कौन सा? सोलेनेसी। तो आज के बाद चलते फिरते हम फैमिली देखेंगे, कौन कहां पर कैसी फैमिली। अब देखना तुम्हें चीजें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मैं बोलूं पल्विनस, मटर में मिलेगा? अच्छा, मटर के साथ बेटा आम में मिलेगा? आम एक अलग फैमिली है लेकिन आम में भी मिलेगा। अच्छा, तो लीफ बेस के सीध बना लेना, ये कहां मिलेगा? मोनोकॉट की मेन फैमिली है ग्रैमिनी। बोलो कौन? अकेली नहीं, मेन फैमिली कौन सी है? ग्रैमिनी। ग्रैमिनी मतलब जिसमें पाए जाते हैं अनाज। क्या पाए जाते हैं? जिसमें आता है वीट, राइस, मेस, सुगर के। फिर से बोलो, वीट, राइस, मेस, सुगर के। चलते फिरते तुम बॉटनी के टीचर बन जाओगे। सर गन्ना की फैमिली बताओ? ग्रैमिनी। गेहूं की? ग्रैमिनी। अब रोटी को बनाने का टाइम आया, बताओ किसका? ग्रैमिनी। चावल बनाने का? ग्रैमिनी। मक्के का आटा मिला दिया तो? ग्रैमिनी। और सर इस तरीके से जो हम लोग खाना खा रहे, दो तीन फैमिली का ही खा रहे, ग्रैमिनी, लिलियेसी, सोलेनेसी और ब्रैसिकेसी। समझ रहे हो? तो अगली बार जब कुछ खाना तो देखना ये क्या है,
पूछा किसी ने सर मशरूम की फैमिली बताओ, ए एंजियोस्पर्म, ये क्या है, फंगस, तो क्या तुम फंगस खा रहे हो? यस, फंगस खाया जा सकता है? Yes, सोचो फफूंद खा ले जाता तो सम फंगस कैन बी एडिबल, याद है ना? तो बेटा काफी टाइम वेस्ट किया, अब केवल फैमिली के नाम बता दो, पांच फैमिली पढ़ाई मैंने नाम से, पहला कौन, सोलेनेसी, सोलेनेसी, मैलवेसी, पक्का? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुमको क्वेश्चन रखने नहीं पड़ेंगे, अपने आप तुम्हें आता जाएगा। तो भाइयों बहनों मैंने लीफ बेस पढ़ा दिया, इसके बाद आया पिटियोल, और पिटियोल के बाद आया लैमिना। सो पिटियोल इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड या फिर आप समझ सकते हो इट इज अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और यू नो दैट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन लीफ बेस एंड लमाइना। जितना बढ़िया पिटियोल होगा उतना लीफ फ्लटर करेगी, फ्लटर करने का मतलब लीफ हिलेगी डुलेगी, और जितना लीफ हिलेगी डुलेगी उतनी ज्यादा फ्रेश एयर यहां पर आएगी, और फ्रेश एयर जितनी ज्यादा आएगी ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो बोलते हैं कि पीपल के पत्ते की फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन सबसे बढ़िया होता है, क्यों? क्योंकि पीपल के पत्ते का पिटियोल बहुत थिन है, थोड़ी सी भी हवा में ये हिलता डुलता है। तो यही लिखा हुआ है कि पिटियोल कनेक्शन है बिटवीन लीव बेस एंड लमाइना, और ये फ्लटर करने के काम आता है, फ्लटर का मतलब हिलाने के काम आता है, किसको, किसको बोलो, लमाइना, तो फ्लटर करता है। इसके बाद आया लमाइना, लमाइना इज ऑल्सो नोन एज लीफ ब्लेड, इसे हम लोग लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं, और इसमें वेन्स और वेनलेट्स का, वेन्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क पाया जाता है, और ये वेन्स और वेनलेट के नेटवर्क से कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड होता है। याद रखना पत्तियों में लीफ अपेक्स बड़ा मायने रखता है, इनके मार्जिन भी बहुत मायने रखते हैं, सो दे आर सो मैनी थिंग्स, लीफ अपेक्स, मार्जिन, लीफ सरफेस, तो इनमें टाइम वेस्ट मत करना। पत्तियां बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर लीफ अपेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ दियर मार्जिन्स, ऑन द बेसिस ऑफ दियर लीफ सरफेस। लोग पत्तियों की सरफेस देख करके, मार्जिन देख करके, अपेक्स देख करके बता देते हैं पत्ती किस फैमिली की है, और सच में तुम भी देख के बता दोगे, बच्चे मूली और सरसों के पत्ते को देखकर बता देते हैं ये सर ये सरसों है ये मूली है, और अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सरसों है कौन सी मूली है। तो बताओ लीफ में तीनों पार्ट पढ़ लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बताओ क्या आता है, इट इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन इसे दोबारा फिर से देखो ध्यान से, जो पत्ती में सबसे बीचों बीच पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज मिडरिप, और ये मिडरिप मेन वेन है। देखो पढ़ने के लिए मैं पढ़ा दूंगा तुम पढ़ लोगे, लेकिन फीलिंग कभी नहीं आ पाती, मैंने खुद देखा है पढ़ के, जब मैं पढ़ता था तो मुझे आधी चीजें समझ में नहीं आती थी, मैं टीचर के हाँ में हाँ मिलाता था, केवल हाँ में हाँ, कि टीचर खुश हो जाए कि उससे समझ में आ जाए कि बेटे को आ रहा है, कि ये पत्ती है, और आज मैं तुमसे कहता हूं कि पत्ती कर रही है फोटोसिंथेसिस, क्या कर रही है, कर दी है कि नहीं, नहीं कर रही, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं सर, क्या करती है फोटोसिंथेसिस हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, तो तक प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ के क्या बनाएगा, C6H12O6, क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। मैं बच्चों से पूछता हूं कि इस पत्ती के पास CO2 आई कहां से, तो उन्होंने बोला सर एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है,
तो बोलता हूं पानी कहां से आया? यस माय डियर, ये रहा पानी, वाटर आया? बताओ वाटर कहां पर आया पहले? रूट, बोलो मेरे साथ, फिर ब्रांच, बोलो कहां, और फिर लीफ, और लीफ की हर कोशिका तक पहुंचने के लिए वेन और वेनलेट। यानी पत्ती के पास अगर वेन और वेनलेट्स ना होती तो बताओ जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंच पता नहीं, और पहुंच नहीं पाता तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती लेकिन पानी, और पानी नहीं मिलता तो फोटोसिंथेसिस और फूड। तो ये वेन और वेनलेट बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे मोटी वेन का नाम बताओ क्या है? मिडरिब। फिर से बोलो, और इस वेन के बाद यहां स्मॉलर वेन्स निकलती हैं, इनका नाम क्या है? वेन्स। और इन वेन से भी छोटी वेन निकलती है, नाम बताओ? वेनलेट्स। फिर से बोलो, तो बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स अपॉन द लेमिना, इट इज नोन एज वेनेशन। बोलो क्या बोलेंगे? वेनेशन। So what is venation? It is arrangement of, yes Sabas, it is arrangement of vein and veinlets upon lamina. Lamina में vein और veinlet का arrangement, it is known as venation. और ये typically दो प्रकार का होता है, typically दो प्रकार का. One is known as reticulate. Another one is known as parallel. Parallel. तो पहले तो मैं definition पूछूंगा, फिर type पूछूंगा, और फिर तुम जब बता दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा. What is venation? Arrangement of vein and veinlet upon lamina. Lamina में vein और veinlet का arrangement होगा? Yes sir. बताओ venation किस काम में आएगा? पता नहीं sir. किस काम में? कंडक्शन। किसके कंडक्शन में? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा? और साथ में खाना भी उठाकर कहां पहुंचाएगा? रूह। सो जाओ इससे अच्छा। पत्तियां क्या मांगेंगी? पानी और मिनरल। क्या बनाएंगी? खाना। और क्या पहुंचाएंगी? खाना। कहां पर? रूट पर। अब बताओ, हटा रहा हूं मैं इसे, बताओ व्हाट इज वेनेशन? It is an arrangement of vein and veinlet upon lamina. It is known as venation. कितने प्रकार का? दो। One is? Reticulate. दूसरा? Parallel. एक है reticulate और दूसरा? Parallel. एक है reticulate और दूसरा parallel. अब ध्यान सुनना, पहले reticulate. Reticulate type of venation में एक बड़ी midrib पाई जाती है, जो अभी अभी मैंने बनाई थी, दोबारा बना रहा हूँ। इसके बाद इसमें छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं और उन वेन्स में वेनलेट्स निकलती हैं और एक नेटवर्क ऑफ वेन बनता है, नेटवर्क ऑफ वेन। ऐसे जैसे जाल हो, वेब हो, वेब लाइक अरेंजमेंट, वेब का मतलब जाल, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेन को, वेनलेट के ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट। और रेटिकुलेट नाम का जो बेटा वेनेशन होता है, इट इज अ फीचर ऑफ डायकॉट। डायकॉट, जितनी डायकॉट पत्तियां होंगी वहां पर वेनेशन आपको कैसा मिलेगा? रेटिकुलेट। जैसे मैं बताऊं पी में, सो जाओ अच्छा है, हाँ, ग्राम में, ब्रिंजल में, टोमेटो में, हाँ, धतूरा में, मैंगो में, पीपल में, ये पूछे एक बताओ इन्हें दस, क्योंकि तुम्हें मालूम है सारे डायकॉट में रेटिकुलेट। पक्का? अब याद रखना, एक मोनोकॉट भी है जिसमें रेटिकुलेट पाया जाएगा, इट इज स्माइलेक्स। स्माइलेक्स नाम का मोनोकॉट जो होता है, इसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। द स्माइलेक्स इज अ मोनोकॉट प्लांट विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन। एंड नाउ माय डियर, सेकेंड टाइप ऑफ वेनेशन देखो इधर ध्यान से,
यहां पर मिडरिब जैसी कोई वेन नहीं होगी, यहां पर पैरेलल कई वेन्स निकलेंगी लाइक दिस। अब यहां पर कोई मिडरिब जैसा स्ट्रक्चर नहीं है कि यहां पर एक मेन वेन है, नहीं, यहां पर बहुत सारी मेन वेन है जो एक दूसरे के पैरेलल निकल रही है। ऑयलेट्स निकलती हैं, वो भी पैरेलल निकलती है। दीज येलो कलर आर दीज आर द वेन और वेनलेट्स, वेनलेट्स, और व्हाइट कलर वाली क्या है, वेन्स। तो वेन एक दूसरे के पैरेलल होती है और वेनलेट भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। Like this. तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। इट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन इज अ फीचर ऑफ, इट इज मोनोकॉट। तो अब अगर मैं पूछूं व्हीट में पैरेलल होगा, राइस में, मेज में, सुगर केन में, बनाना में, तो जितने मोनोकॉट हैं उनमें क्या मिलेगा, पैरेलल। दो डायकॉट भी हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन मिलेगा। वन इज नोन एज कैलोफाइलम एंड इरिंजियम। ये दोनों मोनोकॉट हैं, सॉरी, ये दोनों डायकॉट हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन होगा। अब जरा ध्यान सुनना, डायकॉट में होना कैसा चाहिए था, रेटिकुलर, हुआ कैसा, पैरेलल। मोनोकॉट में होना कैसा चाहिए था, पैरेलल, हुआ कैसा, रेटिकुलर। तो याद रखना, वैसे सारे डायकॉट, ऑल द डायकॉट, दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन एक्सेप्ट कैलोफिलम एंड इरिंजियम, ये हैव, दे हैव पैरेलल। ऑल द मोनोकॉट हैव पैरेलल वेनेशन एक्सेप्ट स्माइलेक्स। या ऐसे लर्न कर लो, ऑल द डाइकॉट प्लस स्माइलेक्स दे विल हैव रेटिकुलेट, एंड ऑल द मोनोकॉट प्लस कैलोफिलम एंड इरिंजियम दे हैव पैरेलल वेनेशन। नाउ व्हाट इज वेनेशन? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स अपॉन लमाइना। लमाइना में वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेनेशन। बताओ कितने प्रकार का होता है? वन इज रेटिकुलेट, दूसरा रेटिकुलेट और पैरेलल, याद रहेगा। रेटिकुलेट में वेब लाइक बनेगा, और जो वेब लाइक बनेगा उसका एग्जाम्पल तो आपको मालूम होगा, मोनोकॉट की डायकॉट। कोई मोनोकॉट भी है क्या? बोलो कौन? क्या स्माइलेक्स नाम के मोनोकॉट में भी वेनेशन रेटिकुलेट है? और बताओ पैरेलल वेनेशन किन में होगा? और क्या कोई डायकॉट भी है जिनमें पैरेलल है? बोलो कौन? कैलोफिलम एंड, पक्का? नाउ द टाइप्स ऑफ लीफ, ये अगला टॉपिक है आपका। छोटा छोटे टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टाइप, टाइप्स ऑफ लीफ। बोलते हैं जनरली दो प्रकार की लीफ होती है। एक लीफ को हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ, और एक प्रकार की लीफ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इस दुनिया में दो प्रकार की पत्तियां हैं, एक है सिंपल लीफ और एक है कंपाउंड लीफ। सब लोग यहां फोकस करो दिमाग पूरा, सिंपल लीफ हो के कंपाउंड लीफ हो, इनको पहचानने का तरीका वही है। They have bud in exile that is known as axillary bud. They also have axillary bud. तो पहला similarity, difference नहीं, पहली similarity, भले ही simple leaf हो या
कंपाउंड लीफ हो, दोनों की एक्साइल में कौन सी बर्ड? एक्सेलेंट। दोनों कहां से निकलेंगी? नोड से। कहां से निकलेंगी? ये भी कहां से निकलेगी? नोड्स। ये भी कहां से निकलेगी? नोड्स। फिर व्हाई दिस इज नोन एज सिंपल एंड व्हाई दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। बोलते हैं लीफ तब तक सिंपल रहेगी जब तक उसका लेमाइना इंटायर हो, लेमाइना पूरी तरीके से, फुल इंटायर लेमाइना हो। इंटायर लेमाइना मतलब इस लेमाइना में कहीं कोई काट छांट ना हो, ऐसी लीफ को हम लोग सिंपल लीफ बोलेंगे। बोलते हैं अगर काट छांट हो भी तो वो इंसीजन मिडरिप को ना छूते हो। कि सर ये इंटायर लेमाइना है लेकिन ये इंसाइज्ड लेमाइना, इंसाइज्ड मतलब कटी हुई लेमाइना है, लेमाइना में काट छांट है, लेकिन जो इंसीजन है दे नेवर टच टू द मिडरिप। किसको नहीं टच कर रहे हैं? मिडरिप। या फिर द इंसीजन दे नेवर टच टू द एपेक्स ऑफ पिटियोल। बताओ ये इंटायर लेमाइना है कि इंसाइज्ड? इंसाइज्ड। बताओ इंसीजन पिटियोल के एपेक्स को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं। बताओ ये सिंपल की कंपाउंड? सिंपल। ये सिंपल। ये सिंपल। ये तीनों की तीनों लीफ सिंपल हैं, ये भी इंसाइज्ड है, ये भी इंसाइज्ड है, और ये इंटायर लेमाइना है। ये तीनों पत्तियां सिंपल पत्तियां हैं। अब ध्यान सुनो, इस पत्ती के एक्साइल में भी एक्सिलरी बड होगी, इस पत्ती के एक्साइल में भी एक्सिलरी बड होगी, इस पत्ती के एक्साइल में भी एक्सिलरी बड होगी। ऑल ऑफ देम आर सिंपल लीव्स। कैसे लीव है? सिंपल। बट व्हाट इज कंपाउंड लीव? बोलते सर एक पत्ती निकली लाइक दिस और उसके जो इनसीजन हैं वो मिडरिप को छू गए लाइक दिस, जो इंसीजन थे वो मिडरिप को सर छू के चले गए, और अगर मिडरिप को छू करके चले गए तो पत्ती एक पार्ट में बटी कि छोटे छोटे पार्ट से बट गई? सर ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक इसे तुम खुद करके नहीं देखोगे, मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक इंटायर पत्ती थी, देखो तीनों इसको बदलते हुए देखो, ये बताओ सिंपल थी कि कंपाउंड? सिंपल। अभी देखना, अब बताओ ये सिंपल है कि कंपाउंड? पक्का? अब बताना जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये सिंपल है अभी बताओ कंपाउंड है कि सिंपल? अभी भी सिंपल है। बताओ क्यों? क्योंकि अभी तक इसने मिडरिप को छुआ। अब बताओ अगर यही इंसीजन मिडरिप को छू जाए तो बताओ क्या लीफ तो लीफ बची की लीफलेट्स? क्या लीफलेट्स की तरह हो गई? और जो ये लीफलेट्स होने लगी, इसने एक लीफ को कई लीफलेट्स में बांट दिया। बताओ इट इज अ सिंपल की कंपाउंड। और आज भी इसका एग्जाइल में कौन सी बर्ड होगी? एक्सिलरी। बताओ ये एग्जाइल होगा कि नहीं? नहीं। एग्जाइल इज ऑलवेज दिस। इसका मतलब ये जो नई छोटी छोटी पत्तियां बनी है ये लीफ है कि लीफलेट्स? लीफ है। दीज आर लीफलेट्स। इधर उधर मत देखो, यही ध्यान दो। और इनकी जो मिडरिप थी, आज मिडरिप की जगह पर उसे हम लोग कहने लगे रैकिस। फिर से बोलो, रैकिस। और याद रखना ऐसी मिडरिप जो रैकिस में चेंज हो गई और लीफ का जो लेमाइना था वो छोटी छोटी लीफलेट्स में चेंज हो गया, इन लीफलेट्स का दूसरा नाम पिन्ना है। क्या नाम है? पिन्ना। एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। It is known as pinnately compound leaf. यहां पर एक लीफ है कि एक लीफ में छोटी छोटी लीफलेट्स? एक लीफ में छोटी छोटी लीफलेट। तो बताओ ये सिंपल हुई कि कंपाउंड? और कैसी कंपाउंड? pinnately compound leaf। सर ये नहीं आया, नहीं आया। हाँ एक बार और, कुछ लोगों ने कहा सर एक बार और। यहां मैं कंपाउंड लीफ दिखा रहा हूं और अब पकड़ लेना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बताइए सिंपल की कंपाउंड?
Lamina is incised or entire? It is incised. It is incised. ये incision किसको touch नहीं कर रहा है? और ये किसको? Apex of petiole. क्या ये apex of petiole तक पहुंच रहे? नहीं. क्या ये midrib तक पहुंच रहे? नहीं. तो बताओ ये तीनों leaf कैसी हैं? Simple. क्या इन तीनों leaf के axile में axillary bud है? आगे सुनो. Compound leaf. अब जो compound leaf बन रही है वो कंपाउंड ना होती, सिंपल होती अगर एंटायर लमाइना होता, लेकिन आज छोटे छोटे लीफलेट्स निकल आए लाइक दिस. तो सर ये जो लीफलेट्स निकल आए हैं इसने पूरी पत्ती को कई छोटी छोटी पत्तियों में तोड़ दिया है, इसका मतलब ये सिंपल पत्ती हो गई कि कंपाउंड? कंपाउंड. बताओ अभी भी इसकी एग्जाइल में क्या होगी? क्या ये एग्जाइल कहलाएगा? क्या ये एग्जाइल कहलाएगा? बताओ इन्हें क्या बोलेंगे? लीफलेट्स. फिर से बोलो. और लीफलेट्स का दूसरा नाम क्या है? पिन्ना. फिर से बोलो. तो बताओ ये सिंपल लीफ है कि कंपाउंड? तो ऐसी लीफ जो कंपाउंड लीफ है और जिसमें पिन्ना पाए जा रहा है, इट इज नोन एज पिन्नेटली, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल में आएगा नीम, जिसका बोटेनिकल नेम है एजा डिरेक्टा इंडिका. अच्छा, एक और इंसीजन आपने देखा था कि सर ये रहा पिटियोल, ये रहा स्टेम और ये रही एक्सिलरी बड, और इस पिटियोल के पास से इंसीजन एपेक्स ऑफ पिटियोल में आकर के टच कर गए, और एपेक्स ऑफ पिटियोल में आकर के टच कर जाने की वजह से एक लीफ छोटी छोटी लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गई, और ये लीफलेट पाम हथेली जैसी दिख रही है. पाम मतलब सो जाओ इससे बढ़िया. पाम मतलब, and that's why it is known as palmately compound leaf. Palmately compound leaf. और palmately compound leaf का example आपकी book में दिया है silk cotton. Silk cotton. तो एनसीईआरटी बहुत ध्यान से फोकस करिए. इट इज सिल्क कॉटन. हटा दें. अब बताओ जवाब दे पाओगे? कितने प्रकार की पत्तियां? दोनों दिख रही हैं? Yes, एक कौन? Simple. और compound. सिंपल लीफ की तीन डेफिनेशन है. Yes, या तो लमाइना इंटायर. कैसी? Entire. अगर इंटायर लमाइना है तो सिंपल होगा कि कंपाउंड? सिंपल. या तो इंसाइज्ड हो लेकिन इंसीजन किसको ना टच करें? मिडरिब. या तो इंसाइज्ड हो और इनसाइड किसको ना टच करें? एपेक्स ऑफ पीटीओ. तो ऐसी पत्तियों को क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ. जवाब नहीं आ रहा, बोलो क्या बोलेंगे? और दूसरी तरीके की कंपाउंड लीफ है. तेरा कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन बताओ. क्या लमाइना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो चुका है? पक्का? इसका मतलब मिडरिप तक छू चुका है? मिडरिप का नाम मिडरिप रहा कि रैकिस? मिडरिप का नाम मिडरिप की रैकिस? और जो लमाइना था वो लमाइना बचा की छोटी छोटी पत्तियां? इनका नाम लीफलेट्स. फिर से बोलो. सो लीफ इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स एंड मिडरिप बिकम रैकिस. दिस इज नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. क्या नीम की पत्तियां देखी हैं? बताओ पत्तियां हैं कि लीफलेट्स है? लीफलेट्स. पक्का? बताओ कैसा कंपाउंड? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. क्या पामेटली कंपाउंड लीफ भी देखी है? अब की बार इंसीजन मिडरिप को छुए कि एपेक्स ऑफ? एपेक्स को छुए. और एपेक्स को छूने की वजह से ये पाम हथेली जैसे दिखाई पड़ने लगे. पामेटली कंपाउंड लीफ. बताओ पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल? व्हाट इज वेनेशन?
इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेटलेट्स. कितने प्रकार है? कितने प्रकार का? दो. वन इज रेटिकुलेट, दूसरा डाइकॉट. रेटिकुलेट मोनोकॉट पहला होगा. अच्छा बताओ टाइप ऑफ लीफ कितने प्रकार की? दो. नंबर वन सिंपल, नंबर टू सिंपल लीफ तीन प्रकार की हो सकती हैं. या तो इंटायर लमाइना, याद रहेगा, या तो इनसाइज लमाइना दैट नेवर टच टू द मिडरिब, या तो इनसाइज लमाइना दैट नेवर टच टू द एपेक्स ऑफ पेटियोल. पक्का? और तीसरे तरीके की याद रहेगा? बोलो दूसरे तरीके की कंपाउंड लीफ है. कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की? दो. वन इज पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक पिनेटली कंपाउंड लीफ में मिडरिब है कि ब्रैकिस है? ब्रैकिस. लीफ है कि बेटा पिटी? एग्जाम्पल याद है? नाम बताओ. अच्छा पामेट्री कंपाउंड लीफ याद है? नाम बताओ. सेल. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ नेक्स्ट इज फिलोटैक्सी. फिलोटैक्सी भाइयों बहनों इधर ध्यान देंगे सारे लोग. बोलते हैं कि जैसे जैसे स्टेम आगे बढ़ता जाता है, स्टेम के पास एपिकल मेरिस्टेम है. अब आप इधर ध्यान दें, एनसीईआरटी छोड़ दें तभी मजा आएगा. फिर जब मैं बोलूं एनसीईआरटी अंडरलाइन करो तब करना. जैसे जैसे एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ता जाता है पीछे नोड्स छूटते जाते हैं. क्या छूटते जाते हैं? नोड्स. मान लीजिए अभी एक दो तीन, तीन नोड्स हैं. आगे एपिकल मेरिस्टेम और ग्रो कर गया तो बताओ ये कौन सा नोड? चार. आगे और ग्रो कर गया तो बताओ? पांच. तो बताओ ये पहला नोड है कि पांचवा? पता नहीं सर. तो बताओ इसके पहले सबसे पहले कहना नोड होगा, नोड नंबर वन, और उसके पहले भी एक्सिस होगी. एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस. जवाब दो. एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी. ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला, और पहली बार रूट बनी होगी, पहला स्टेम बना होगा, पहली लीफ निकली होगी. थैंक यू वेरी मच. और जहां निकली होगी उसका नाम? अच्छा आगे बेटा ये आगे बढ़ा होगा, दूसरा नोड बना होगा. अब बताओ फिर से यहाँ पर लीफ निकली होगी. बताओ इनमें से सबसे नई लीफ कौन? नीचे की पुरानी. तो ऊपर वाली लीफ कैसी होगी? न्यू. और नीचे वाली? ओ. यस और नो? अच्छा बताओ अब जो लीफ निकलेगी क्या वो और न्यू होगी? इस तरीके का सक्सेशन कहलाता है एक्रोपिटल सक्सेशन. फिर से बोलो. तो बताओ पत्तियां जब निकलती हैं तो किस सक्सेशन में निकलती हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन. पुरानी लीफ नीचे किसके में? स्टेम में सबसे नीचे सबसे पुराने, और स्टेम के सबसे ऊपर सबसे नई. तो बोलते हैं इन पत्तियों का निकलना सक्सेशन क्या कहलाता है? एक्रोपिटल सक्सेशन. लेकिन ये जो पत्तियां निकल रही होती हैं इनका एक अरेंजमेंट भी होता है. अरेंजमेंट ऑफ द लीफ अपॉन द स्टेम इट इज नोन एज फिलोटैक्सी. इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ लीफ. अरेंजमेंट ऑफ लीफ अपॉन नोड्स एंड नोड्स ऑफ स्टेम. स्टेम के नोड्स पर पत्तियों का जो अरेंजमेंट है इट इज नोन एज फिलोटैक्सी. पहली पॉइंट जो मुझे चाहिए, अरेंजमेंट तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पत्तियों का सक्सेशन कैसा है? एक्रोपिटल. और एक्रोपिटल सक्सेशन में सबसे पुरानी, सबसे नीचे की सबसे ऊपर, सबसे नीचे और सबसे नई, सबसे ऊपर. सक्सेशन एक्रोपिटल सक्सेशन. पक्का? और उसका कारण बताया मैंने कि ये किस एक्सिस से बना. भाई बताया करो तभी मुझे. किस से? एम्ब्रियन. क्या आपने सीड ग्रो कराया था? सीड में अंकुरण निकला था? अंकुरण निकलते ही लीफ? अंकुरण और बड़ा हुआ, लीफ निकली, पहली लीफ नोड से निकली, दूसरी लीफ निकली. बताओ जो दूसरी लीफ निकली नीचे निकली कि ऊपर? तो जितना ऊपर जाओगे नई होगी कि पुरानी? और जितना नीचे जाओगे? तो बताओ पुरानी लीफ नीचे, नई लीफ ऊपर, सक्सेशन का नाम?
और ये जो लीफ निकल रही कहीं भी निकल रही कि नोट्स में निकल रही है? और क्या नोट्स पे इन लीफ का कोई अरेंजमेंट है? दैट अरेंजमेंट इज नोन एज फिलोटैक्सी. अब मैं हटा रहा हूं, व्हाट इज फिलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव अपॉन नोट्स ऑफ स्टेम, इट इज नोन एज फिलोटैक्सी है. अब बता रहा हूं फिलोटैक्सी टोटल तीन प्रकार की है. जितने लोग भी चुपचाप मुंह बांधे बैठे हुए हैं, जिनको समझने से कोई लेना देना नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए. मैं पूछता हूँ ये सब. मॉर्फोलॉजी खत्म होने के बाद फिर एक दिन होगी पूछैया, पूछूंगा मैं, और उस दिन जवाब नहीं आया तो थप्पड़ भी पड़ेंगे, लोग गायब हो जाएंगे, तो मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा. इस बार शुरू किया था, कुछ लोग होशियार लोग नहीं आए थे, तो नया चैप्टर शुरू हो गया. तो भाई फिलोटैक्सी तीन प्रकार की है. एक का नाम है ऑल्टरनेट, दूसरे का नाम है ऑपोजिट, और तीसरे तरीके का नाम है वर्ल्ड. एक है ऑल्टरनेट, दूसरा है ऑपोजिट, तीसरा है वर्ल्ड. अब ध्यान से देखो, हर नोड में एक बार एक लीफ निकले लेफ्ट में, दूसरे नोड में एक बार निकले राइट में, फिर अगले नोड में निकले लेफ्ट में, फिर अगले नोड में निकले राइट में. यानी आपने देखा ऑल्टरनेट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, लेफ्ट राइट, ऐसा अरेंजमेंट इट इज नोन एज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. पत्तियां ये अरेंजमेंट करती हैं फॉर सनलाइट. वो चाहती हैं कि हर पत्ती को बराबर सनलाइट मिले. यानी एक पत्ती के ठीक नीचे दूसरी पत्ती निकली तो ऊपर वाली को सनलाइट मिलेगी, नीचे वाली को नहीं मिलेगी. तो बताओ, एक बार लेफ्ट, दूसरा बार राइट, फिर गैप मिल गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट. बताओ अरेंजमेंट का नाम ऑल्टरनेट. वैसे तो आपकी बुक में इसमें तीन एग्जांपल दिए हैं CMS, पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ही नहीं. सी मतलब चाइना रोज, सी मतलब मेरे बच्चे चाइना रोज की बजाय बोलेंगे मैलवेसी. अब इसी के लिए इतना टाइम बर्बाद किया था, बोलो कौन? पूरी मैलवेसी में कैसा अरेंजमेंट? ऑल्टरनेट. बताओ ऑल्टरनेट के तीन एग्जांपल मालवेसी से. चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर. पक्का? एम फॉर मस्टर्ड, एम फॉर मस्टर्ड, मस्टर्ड की जगह मैं लिखूंगा ब्रेसी केसी. बोलो क्या लिखूंगा? क्या आप एग्जांपल बता पाओगे? बताओ. मस्टर्ड एंड रेडिस, मस्टर्ड एंड रेडिस. और एस का मतलब है सनफ्लावर. बोलो कौन है? सन. तो बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो अल्टरनेट रखेंगे? बोलो कौन? मालवेसी, ब्रैसिकेसी, सनफ्लावर, इवन सोलेनेसी भी अल्टरनेट है. सोलेनेसी भी अल्टरनेट. तो बताओ 15 एग्जाम्पल बताओ अल्टरनेट के, बता पाओगे? आलू, टमाटर, बैंगन, धतूरा, मिर्चा, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, मस्टर्ड, रेडिस. तीन बता रहे, तुम कितने बता रहे? 9. तो बताओ CMS. जो रट्टा मारते, नहीं सर हम तो भैया जो NCERT में लिखा है, तो अंडर का रट्टा मारो. CMS, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल नहीं, इट इज चाइना रोज, इट इज मस्टर्ड, इट इज सन. बोलो कौन कौन? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर. ऑल्टरनेट है, लेकिन मेरे बच्चे इतना छोटा नहीं सोचेंगे. मेरे बच्चे 10 एग्जांपल बताएंगे. पी होगा? बीन होगा? अरे फैबेसी भी ऑल्टरनेट रखती है, सोलेनेसी भी ऑल्टरनेट रखती है. तो खैर तुम इतना एग्जांपल बताओ. बोलो चाइना रोज, मस्टर्ड. अब अपोजिट देखो, एक नोड पर दो पत्तियां निकली और दोनों एक दूसरे के अपोजिट निकले. इट इज नोन एज अपोजिट. अपोजिट वाली कंडीशन के एग्जाम्पल हैं ग्वावा, अब की बार अमरूद की पत्तियां देखिएगा जाकर के, और दूसरा है कैलोट्रॉपिस. कितने लोग मदार का पौधा समझते हैं, मदार हिंदी में,
मदार, मदार इज कैलोट्रोपिस, गुआवा मतलब आम, अमरूद, तो गुआवा मतलब अमरूद। अभी इस समय मौसम है अमरूदों का, जब पत्तियां देखने को मिले तो देखना एक बार मैं वहां पर अल्टरनेट पोजीशन की बजाय अपोजिट पोजीशन पर होंगी। एंड नाउ एक पॉइंट से बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं चक्राकार कंडीशन में, चक्राकार कंडीशन में पत्तियां निकल रही हैं। दीज कंडीशन आर नोन एज वर्ल्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन एल्स्टोनिया। बहुत कॉमन प्लांट है आजकल, लोग नीम की बजाय ये पौधा अपने घरों के बाहर आजकल लगा रहे हैं। यहाँ से निकलोगे तो बहुत सारे एल्स्टोनिया के पौधे मिल जाएंगे। आपने देखे नहीं है इसलिए आप जानते नहीं हो, वैसे देखें आपको मालूम नहीं कि यही एल्स्टोनिया है। जिस दिन आपको पता चलेगा आपको लगेगा अच्छा ये एल्स्टोनिया है। तो खैर आपको लर्न करने, बताओ फिलोटैक्सी का मतलब क्या हुआ? इट इज अरेंजमेंट ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ लीफ अपॉन नोट्स ऑफ स्टेम। कितने प्रकार के? तीनों याद है? पहला ऑल्टरनेट है, एक नोट पर एक की दो, एक बार लेफ्ट और एक बार पक्का। अच्छा बताओ अपोजिट, एक नोट पर एक की दो अपोजिट कंडीशन में, और बताओ एक नोट पर दो से ज्यादा वर्ल्ड होगा, चक्राकार होगा। सबके एग्जाम्पल बता पाओगे? अभी ये एग्जाम्पल के ढेर लग रहे हैं और जो लोग रट्टा मार रहे होंगे वो तो मरेंगे, और जो लोग रट्टा नहीं मार रहे होंगे उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फैमिली घुस रही होगी, घुस रही है। अच्छा बताओ व्हाट इज ऑल्टरनेट, एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट? सी एम एस याद रहेगा? व्हाट इज सी? चाइना। व्हाट इज एम? व्हाट इज एस? सी एम एस हो गया। अच्छा बताओ व्हाट इज अपोजिट? गुआवा और कैलोट्रोपिस, अमरूद और मदार, गुआवा और कैलोट्रोपिस, और तीसरा एल्स्टोनिया है। किसका एग्जांपल है? वाह, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? क्या क्या पढ़ लिया? क्या हमने वेनेशन पढ़ा, टाइप ऑफ लीफ पढ़ी और फिलोटैक्सी पढ़ी? अब क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। थैंक यू वेरी मच। इसके पहले मैं मॉडिफिकेशन पढ़ाऊं, सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूं फंक्शन ऑफ लीफ, फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के मुख्यतः दो ही फंक्शन है, पहला और फॉरमोस्ट इट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रकाश संश्लेषण। हिंदी भी सीख रहे भैया आप लोग के लिए, वैसे हमारी अंग्रेजी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ना अंग्रेजी अच्छी ना हिंदी अच्छी, तो दोनों चीज़ें सीख रहे हैं, मिलवा कुछ है इंग्लिश। हाँ, फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरा है ट्रांसपिरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। हाँ, ट्रांसपिरेशन दैट इज वाष्पोत्सर्जन। तो दो मुख्य फंक्शन है पत्तियों के, अगर पत्तियां इन दो फंक्शन के अलावा भी कोई फंक्शन करने लगें तो बताओ वो क्या कहलाएगा? मॉडिफिकेशन। बताओ दो मुख्य फंक्शन बताओ लीफ के, नंबर वन फोटोसिंथेसिस, नंबर वन इज फोटोसिंथेसिस, नंबर टू। और दो मिनट रुक करके जवाब दो, क्या स्टेम में तीन मॉडिफिकेशन थे? अगर इतना सीखते गए ना तब भी बहुत आ जाएगा। तीन थे कि पांच? रूट में तीन थे। यस सर। रूट के तीन मॉडिफिकेशन क्या थे? स्टोरेज, सपोर्ट, रेस्पायरेशन, याद है? और स्टेम में कितने थे? पांच। स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, एसिमिलेशन, प्रोपेगेशन, पक्का। और आज लीफ में भी पांच मोड ऑफ मॉडिफिकेशन है, पांच मेन मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में भी पांच चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, और जो लोग भी उंगलियों में इन्हें याद रखेंगे वो खाना खाते पीते इनको रिवाइज कर पाएंगे। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ,
पांच बातों के लिए, पहले वो पांच बातें मैं एक सीक्वेंस में लिख लेता हूं। नंबर वन इज स्टोरेज, नंबर टू इज सपोर्ट, नंबर थ्री इज प्रोटेक्शन, नंबर फोर इज स्पेशल एसिमिलेशन। वैसे तो एसिमिलेशन बिलीव करती है लेकिन एसिमिलेशन में भी बड़ा स्पेशल एसिमिलेशन। एंड नंबर पांच इज, दिस इज नोन एज इंसेक्टिवोरस कंडीशन। कंडीशंस स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, एसिमिलेशन, इंसेक्टिवोरस कंडीशन। अब आपको कैसे रटने से बचना है? स्टेम में स्टोरेज था, नहीं बोलोगे? बताओ रूट में, लीफ में, ये तो तीनों में कॉमन। रूट में सपोर्ट था, स्टेम में था, पक्का? लीफ में भी सपोर्ट है, ये दोनों चीज तो तीनों जगह मिलेगी। बोलो कौन? स्टोरेज एंड सपोर्ट। प्रोटेक्शन स्टेम में था, लीफ में है? अच्छा बताओ एसिमिलेशन स्टेम में था, लीफ में है? तो ये देखो दो लोगों में है, और उसमें पांचवा था प्रोपेगेशन। क्या था? रनर, सकर, याद है? और यहाँ पर इंसेक्टिव। अब बताओ कितनी चीजों के लिए लीफ मॉडिफाई हो रही है? पांच है। पांचों के नाम बताओ। चलो मेरे साथ गिनो। पहला स्टोरेज, सपोर्ट, इंसेक्टिवोरस कंडीशन। अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले पता लगाओ कि लीफ जो मॉडिफाई हुई है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कैसे मॉडिफाई हुई पत्तियां, याद रखना। इस कंडीशन का एग्जांपल है बल्ब। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टेम बिकम डिस्क लाइक, और इस डिस्क लाइक स्टेम में स्केल लीव्स, स्केल लीव्स का अरेंजमेंट हुआ। सो देयर इज अ स्केल लीव्स, नॉन ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियां ना हो उन्हें जनरली स्केल लीव्स बोलते हैं। स्केल लीव्स में फूड का स्टोरेज हुआ। इन स्केल लीफ में ये वाला पोर्शन है बल्ब एंड दिस पोर्शन ऑन स्केल लीफ। एग्जांपल इज अनियन। अनियन मतलब प्याज। कंडीशन इज बल्ब। और ऐसे ही यहां पर स्केल लीव्स आई हैं लहसुन में। लहसुन की भी स्केल लीव्स है। लहसुन को अंग्रेजी में क्या बोलते भाई? गार्लिक। गार्लिक भी बल्ब है, अनियन भी बल्ब है, और ये दोनों स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। वेदर इट इज अनियन और गार्लिक, बोथ हैव स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड का एग्जांपल है बल्ब, बट बल्ब इज नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। माय डियर ध्यान सुनो वरना फंसा दोगे। बल्ब इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दिस डिस्क लाइक स्टेम। लहसुन पूरा काट दो, डिस्क एक छोटी सी बस्ती है। ऐसे प्याज पूरा काट दो, एक डिस्क बस्ती है, दैट इज नोन एज बल्ब। उनमें जो पत्तियां हैं, नाम बताओ, स्केल लीफ। लहसुन की जो कलियां हैं वो भी क्या है? स्केल लीफ। इन स्केल लीफ में फूड का स्टोरेज हो रहा है, और अनियन एंड गार्लिक आर द एग्जांपल। तो स्टोरेज हो गया। नाउ द प्रोटेक्शन, सपोर्ट। लो भैया सपोर्ट ले लो, इधर देखो। बोलते हैं एक स्टेम में छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं। इन पत्तियों में जो एपिकल पत्तियां हैं, दीज बिकम द टेंड्रिल्स। व्हेन द लीफ और लीफलेट्स, दे बिकम द टेंड्रिल, एंड दीज टेंड्रिल हेल्प इन द सपोर्ट।
फैमिली फेबेसी इज द एग्जाम्पल. अब मुझे एग्जाम्पल के नाम चाहिए. ना बोलो फैमिली फेबेसी याद है? फेबेसी मतलब क्या? ये बीन फैमिली है. बीन फैमिली में कौन मटर आएगा, चना आएगा, अरहर आएगा, मूंग आएगा, इन सब में कैसी टेंड्रिल है? लीफ टेंड्रिल. बोलो चित्रांश बाबू उठो. इसके पहले टेंड्रिल कहां पड़ी? हाँ, वो टेंड्रिल किससे बनी थी? सत्यनारायण कथा सुनने आते हो? हाँ, कौन सी बर्ड? वो वाली टेंड्रिल किसकी थी? एक्सिलरी बर्ड. और ये वाली टेंड्रिल? हाँ, लीफ और लीफलेट्स. क्या ये भी सपोर्ट करेगी? क्या वो भी सपोर्ट करती थी? एग्जांपल बताओ. बैठो. फैमिली का नाम? ये मेरी आधी क्लास को मतलब ही नहीं. वो कोने वाले बच्चे खड़ा करो, सबसे खड़े हो, सबसे पीछे और बाहर आओ. आने दो. बोले मॉर्फोलॉजी तो पढ़ा रहे हो, पढ़ाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? इससे भी एक क्वेश्चन आएगा और वो गलत हो जाएगा मॉर्फोलॉजी से भी, तो माइनस वन हो जाएगा. चार नंबर वाले मिलने थे, वो मिलेंगे नहीं, एक और कट जाएगा. टोटल माइनस कितना? पांच. भैया अब जवाब दो. पहली क्लास तो नहीं है, अब जवाब दो. इसके पहले टेंड्रिल कहाँ मिली? एक्सिलरी बट टेंड्रिल. एग्जाम्पल पंकिन और फैबियसी और बोलो. जाओ. उतनी दूर से इतनी दूर तक ट्रेवल इसलिए कराया कि ताकि जो आपको सोना सोने जैसा लग रहा था ना, वो जाग जाओ. अब जवाब दो. क्या इसके पहले स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने थे? यस सर. बने थे यस सर. ये भी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है? यस सर. वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर किससे बने थे? एक्सिलरी बर्ड से बने थे? यस सर. और ये लीफ से बने हैं? या फिर लीफ? तो बताओ, ये और ये दोनों टेंड्रिल हैं, लेकिन दोनों टेंड्रिल होमोलॉगस कि एनालॉगस? ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम. होमोलॉगस कि एनालॉगस? इसका ओरिजिन एक्सिलरी बर्ड, इसका लीफ. क्या एक्सिलरी बट टेंड्रिल हम पढ़ चुके हैं? Yes, बस पढ़ चुके हैं, बस आता नहीं है. एक्सिलरी बट याद है? फैमिली कुकुरबिटेसी याद है? और ग्रेप वाइन याद है? अंगूर की लताओं में टेंड्रिल है और मटर में भी टेंड्रिल है. दोनों टेंड्रिल होमोलॉगस की एनालॉगस. ये रही बात होमोलॉगस की एनालॉगस. और यकीन मानो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस ऑर्गन. तुम्हें लगता है मॉर्फोलॉजी से इतना टफ क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है. ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम. होमोलॉगस के एनालॉगस? और देखो, ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट. एनालॉगस के होमोलॉगस? बताओ, ये एक्सिलरी बर्ड है? ये एक्सिलरी बर्ड है? ये टेंड्रिल है? ये थॉर्न है? ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट. नहीं आया? तो बताओ, होमोलॉगस की एनालॉगस? ओरिजिन सेम के डिफरेंट? फंक्शन सेम. ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट. पल्ले नहीं पड़ रहा. आप कुछ बोल रहे होंगे, सर होमोलॉगस एनालॉगस क्या होता है? इवोल्यूशन यहाँ काय पढ़ाने लगे? बेवकूफ हो क्या?
और जब क्वेश्चन देखोगे तो दौड़ते दौड़ते आओगे कि सर को आपको तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ आते ही नहीं है सर। अरे भैया तुम पढ़ो, हम तुमको इतना ज्यादा पढ़ाने के मूड में है, लेकिन तुम सो जाओगे तो हम क्या बताएं? बताओ होमोलॉगस और एनोलॉगस में अंतर बता पाओगे? व्हाट इज होमोलॉगस? क्या इनकी ओरिजिन सेम है? और फंक्शन? फंक्शन सेम की डिफरेंट? हाँ, फंक्शन डिफरेंट। और एनोलॉगस? ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। अब जवाब देना मेरा, फंक्शन सेम। बताओ बटरफ्लाई के पास पंख है? Yes, नहीं है। Yes, और बर्ड्स के पास पंख है? Yes, दोनों की ओरिजिन? फंक्शन? दोनों उड़ने का काम करते हैं? Yes, बताओ पंख? हमारे पास आगे वाले हाथ हैं? घोड़े yes, के पास पैर हैं? Yes, दोनों का ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। बोलो बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ फिर भी नहीं आता। अब इधर देखो, इसके पहले भी टेंड्रिल मिली थी, इसके अभी भी टेंड्रिल मिल रही है। ये वाली टेंड्रिल लीफ टेंड्रिल है। कैसी टेंड्रिल है? उसके पहले एक्सिलरी बट टेंड्रिल। एक्सिलरी बट टेंड्रिल के एग्जांपल कुकुरबिटेसी एंड ग्रेव। और कुकुरबिटेसी कद्दू फैमिली है? कद्दू फैमिली के मेंबर याद कराए थे? बताओ करो। पंपकिन, वाटरमेलन, बोलो कौन? वाटर, कुकुम्बर, टिंडा, याद है? ये सब फैमिली किसकी है? कुकुरबिटेसी। बोलो कौन? लौकी, कद्दू, सीताफल, टिंडा, वाटरमेलन, ये सब किसकी फैमिली? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली में जो टेंड्रिल बनेगी वो एक्सिलरी बर्ड की बनेगी, और जो फैबेसी फैमिली में टेंड्रिल बनेगी वो किसके बनेगी? लीफ। और दोनों का काम सपोर्ट। दोनों का काम सपोर्ट। अब बताओ फैमिली फैबेसी में लीफ बेस में क्या पाया था? भूल गए। ये है हमारी क्लास। लीफ बेस याद है? फूल गया था? पल्विनस हुआ था? तो पत्ती के बेस में क्या मिला? पल्विनस। और पत्ती के कोने में क्या मिला? टेंड्रिल। फैमिली फैबेसी। फैमिली आधी फैबेसी तो यहीं पढ़ ली तुमने। आगे चलो, क्या आपको कुकुरबिटेसी याद है? yes, क्या इसमें भी टेंड्रिल मिले थे? लीफ yes, के मिले थे कि एक्सिलरी बट? एक्सिलरी बट मिले थे। yes, दोनों का काम सपोर्ट है। yes, दोनों का ओरिजिन सेम है? yes, सेम है। एक घूसा पड़ जाएगा स्वर्ग से धार जाओगे। सेम है कि डिफरेंट? दोनों की टेंड्रिल है? yes, दोनों का काम सपोर्ट है? yes, दोनों का ओरिजिन सेम है? yes, सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट। एक एक्सिलरी बर्ड है? yes, और एक? हाँ, हंसो नहीं बेटा। एक बात को समझाया था बड़ी आराम से, 90% लोगों ने पकड़ी नहीं थी। टीचर इस वजह से ऐसा बेवकूफ हो जाता है मेरे जैसे। हमें मालूम है जो हमने एक बार पढ़ाई, बेटा ध्यान से सुनो। तुमने सुनना ही नहीं, तुमने लिख लेना, और 6 महीने बाद तुमको खुद ही नहीं याद है यार ये क्यों लिखाया था, ये क्यों लिखा था। तो सपोर्ट के लिए टेंड्रिल बनाना कुकुरबिटेसी का भी काम है और फैबेसी का भी काम, लेकिन दोनों की टेंड्रिल सेम है कि अलग अलग? एक की एक्सिलरी बट और एक की लीव टेंड्रिल। और एक साल क्वेश्चन आया कि कभी कभी लीफ तो नॉर्मल है बट लीफ एपेक्स बिकम टेंड्रिल। पूरी लीफ की लीफ एपेक्स? इट इज ग्लोरियोसा। ये एक एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एक बार क्वेश्चन आया है कि फुल लीफ इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, ओनली लीफ एपेक्स चेंजेस इनटू टेंड्रिल। एग्जांपल इज ग्लोरियोसा। तो सपोर्ट में 2 एग्जांपल पढ़ाए मैंने, एक कौन पता नहीं सर, एक फैबेसी कौन से बना? लीफ। और एक पढ़ाया लीफ एपेक्स, बोलो क्या? ग्लोरियोसा। तो पहला काम क्या पढ़ाया था मैंने? स्टोरेज।
दूसरा काम क्या पढ़ाया? अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया स्टोरेज, हो गया सपोर्ट, अब हुआ प्रोटेक्शन। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव फॉर प्रोटेक्शन। और ये मैं पढ़ा चुका हूं तो मेरा पूछने का पूरा हक है। एक था स्टेम जो कहता था मैं पत्तियां निकालूंगा, पत्तियां कहती थी मैं फोटोसिंथेसिस कर दूंगी, ये सब नॉर्मल काम है। पत्तियों का काम फोटोसिंथेसिस करना है, स्टेम का काम भैया पत्ती को सपोर्ट देना है। पत्ती ने कहा कि मैं तो बन गई कांटे, भैया ये रही कांटे, ये रहे कांटे। तो स्टेम ने कहा ठीक है, आई विल बिकम लीफ लाइक विथ मैनी नोट्स एंड इंटर नोट्स। भूल गए हाँ? तो बताओ यहां पर पत्तियां क्या बन चुकी हैं? क्या ये पत्तियां स्पाइन बना चुकी हैं? हाँ? तो ये जो स्पाइन बनी है, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और इस कंडीशन का नाम फिलोक्लैड। भूल गए आप, क्या नाम है? तो फिलोक्लैड का एग्जांपल बोलो अपंसिया। क्या इसे हिंदी में बोलते थे? बोलो क्या? कैक्टस। हिंदी में क्या बोलते हैं? नागफनी। तो बताओ नागफनी में पत्तियां हैं कि कांटे हैं? तो बताओ पत्तियां किन में कन्वर्ट हो गई हैं? स्पाइन। थॉर्न की स्पाइन। क्या मैंने तीन एग्जांपल बताए थे? थॉर्न, स्पाइन एंड प्रिकल। भूल गए, थॉर्न, स्पाइन एंड प्रिकल। एपिडर्मल ग्रोथ, स्टेम का मॉडिफिकेशन, हाँ, लीफ का मॉडिफिकेशन, स्पाइन। तो क्या पत्तियां यहां कांटे बन चुकी हैं? और पत्तियों का काम कौन कर रहा है? स्टेम। सो सी दिस, ये स्टेम कहा कि मैं चौड़ा हो लिया, लीफ ने कहा कि मैं तो भैया कांटे बन गई। तो कंडीशन का नाम है स्पाइंस। सो लीफ बिकम स्पाइंस फॉर प्रोटेक्शन एंड द स्टेम बिकम लीफ लाइक। कंडीशन इज फिलोक्लैड, कंडीशन इज, और एग्जाम्पल इज अपंसिया, और हिंदी में क्या बोलेंगे? कैक्टस। क्या किसी को क्लैडोड याद है? कुछ नहीं याद है? याद है? क्या फिलोक्लैड जैसा ही क्लैडोड था? क्या उसमें भी स्पाइन बन चुकी थी? पर मैनी नोड और इंटर नोड की लिमिटेड, लिमिटेड नोड्स हैं। इस कंडीशन का नाम क्लैडो। अब ध्यान सुनना, मैं जो मैं सिखा रहा हूं जो तुम भूलोगे ही, मैं जानता हूं तुम भूलोगे, तुम स्टूडेंट हो। सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी। तो जिनकी स्पेलिंग में सी आ रहा, वेदर फिलोक्लैड और क्लैडोड, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ। पर ये लीफ के मॉडिफिकेशन में किस काम आ रहा है? बिकॉज लीफ बिकम स्पाइन। फिर से बोलो, द सेम एग्जाम्पल दे आर फॉर एसिमिलेशन फॉर स्टेम एंड प्रोटेक्शन फॉर लीफ। पल्ले नहीं पड़ा। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को स्टेम में पढ़ूं तो बताओ किसके लिए? एसिमिलेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसी एग्जाम्पल को जब मैं लीफ में पढ़ रहा हूं, प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहां लीफ ध्यान दी जाएंगी, और लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं कि कांटे बना लिया, और कांटे बना लिया तो क्या कहलाया? स्पाइंस। तो बताओ इट इज फॉर प्रोटेक्शन। तो बताओ फिलोक्लैड एंड क्लैडोड आर द मोड ऑफ एसिमिलेशन फॉर स्टेम एंड फॉर द मोड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर लीफ। याद रहेगा? तो लीफ के केस में ये प्रोटेक्शन करते हैं, और स्टेम के केस में ऐसे। अभी भी नहीं आया? चलो तो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने पढ़ा। बताओ कौन कौन से लीफ के मॉडिफिकेशन पढ़े? स्टोरेज पढ़ा? अपने मन में गिना करो, स्टोरेज पढ़ा? यही कमी है, जब घर जाते तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं होता, यहां से बतियाते चले जाते। और अगर गिनती मालूम हो कि वहां तीन, वहां चार, वहां पांच, वहां सात, तो एक दूसरे से पूछोगे
कि बताओ तीन बातें बताओ जिसमें रूट के लिए मॉडिफिकेशन हुआ था, पांच बातें बताओ जिसमें रूट के स्टेम के लिए मॉडिफिकेशन हुआ था, पांच बातें बताओ जब लीफ मॉडिफाई हो रही थी, पांच बातें बता पाओगे? Yes, sir. पहला स्टोरेज सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, आप एसिमिलेशन। अब देखो लीफ के कौन से पार्ट एसिमिलेशन में मॉडिफाई हो रहे हैं, वैसे तो लीफ का काम ही एसिमिलेशन है, लीफ खुद इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस करने आई है, लेकिन लीफ के पार्ट कभी कभी फोटोसिंथेसिस करने लगे। देखो स्टेम ने कहा कि मैं तो दुनिया में भैया स्टेम बन के आया हूं सपोर्ट देने के लिए और मैं पत्तियों को निकालने के लिए। लेमाइना ने कहा कि मैं तो दुनिया में आई हूं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब दोनों रूठे हैं। लेमाइना कह रही है कि मैं तो भैया कांटे बन गई, बनाओ भाई कांटे। लेमाइना स्पाइन बन गई, स्पाइन। और स्टेम ने कहा नहीं यार हम बार बार थोड़ी ना लीफ बनेंगे, फिल्लो क्लैड में भी बनवा लिया, क्लैडोड में बनवा लिया, मेरा काम सपोर्ट करना मैं कर रहा हूं। लेमाइना कह रही मैं कांटे बन गई, तो फोटोसिंथेसिस कौन करे? तो पिटियोल ने कहा भाइयों बहनों आप लोग लड़ाई मत करो, मैं अभी जिंदा हूं। तो पिटियोल इट बिकम लीफ लाइक एंड दिस लीव लाइक पिटियोल इज नोन एज फिल्लोड। अब मरते हैं बच्चे कि सर सही सही बताओ कोई अंताक्षरी तो नहीं खेल लो मेरे साथ, कभी फिल्लो क्लैड कभी क्लैडोड कभी फिल्लो। तो ये तीन टर्म आपके सामने आए, बोलो कौन? फिर से बोलो फिल्लो क्लैड, ओके। दूसरा क्लैडोड, फिर से तीसरा और फिल्लो। अब मैं कुछ चीजें आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूं। ये दोनों मॉडिफिकेशन क्या ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है? Yes, क्या इनमें सी है? Yes, इसमें सी है? Yes, इसमें सी है। तो देखो ये किसका मॉडिफिकेशन? फिल्लो। ये किसका मॉडिफिकेशन है? पिटियो। द पिटियोल बिकम लीफ लाइक एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज नोन एज फिल्लोड एंड दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। हमारे गांव में इसे विलायती बबूल कहते हैं। कुछ लोगों के गांव में भी ये बबूल का पौधा होगा जो नॉर्मल बबूल के पौधे से बड़ा होता है। इट इज़ नोन एज विलायती बबूल और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। यहाँ पर फिल्लोड कंडीशन पाई जाती है। कैसी कंडीशन? फिल्लोड। और अब अगर तीनों में डिफरेंस नहीं आता तो तुम बेवकूफ हो। बताओ तीन के नाम बोलो कौन? फिल्लो क्लैड और क्लैडोड और फिल्लो। फिल्लो क्लैड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, क्लैडोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। इन दोनों के केस में लीफ क्या हो गई है? स्पाइन। और स्टेम बिकम लीफ लाइक। पक्का? एक में बहुत सारे नोड एंड इंटर नोड है, हाँ फिल्लो क्लैड। एक में लिमिटेड है, हाँ फिल्लो क्लैड के एग्जांपल याद है? फ्लैट वाला, हाँ फ्लसी वाला, किसी को याद नहीं, यूफोर्बिया। पक्का? क्लैडोड का एग्जांपल याद है? बोलो एस्परेगस। एस्परेगस है? और आज कौन आया? फिल्लो। फिल्लोड क्या होता बता पाओगे? बताओ। लेमाइना बिकम स्पाइन। क्यों? कौन? लेमाइना बिकम स्पाइन। स्टेम में मॉडिफिकेशन नहीं। पिटियोल बिकम लीफ लाइक। कंडीशन इज फिल्लो। एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इट इज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बिलायती बबूल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीफ कैसे मॉडिफाई होती है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। दिस इज अ नॉर्मल लीफ एंड इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट द लीफ बिकम पिचर विथ लिड। वॉट इज पिचर? पिचर मतलब मटका, पत्ती मटके जैसी हो गई, ये मटके जैसी पत्ती हो गई, उसके ऊपर ढक्कन भी। तो दिस कंडीशन इज नोन एज पिचर प्लांट। बोटेनिकल नेम इज नेपेंथीज। और इसके अंदर अगर कीड़ा घुसा तो उसकी सामत है, बताओ ये कीड़ा बचेगा कि मार दिया जाएगा?
मार दिया जाएगा कि डाइजेस्ट कर लिया जाएगा? इसका मतलब इनको खाना खाने के लिए क्या खाती हैं? इंसेक्ट। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करती हैं? क्या ये पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं? फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद भी ये इंसेक्ट खाते हैं? इंसेक्ट का मतलब हो गया, क्या ये इंसेक्ट मजे मजे में खाते हैं? यस सर। नहीं, इनकी बॉडी में किसी कमी है? नाइट्रोजन। तो क्या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए खाते हैं? सो इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिचर प्लांट एक प्लांट है जिसमें लीफ बिकम पिचर लाइक। ऐसा ही एक ब्लैडर वर्ड करके पौधा है, ब्लैडर लाइक लीफ हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज ब्लैडर वर्ड। तो लीफ बिकम ब्लैडर लाइक, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैडर वर्ड। देर आर सो मैनी मॉडिफिकेशन फॉर द इंसेक्टिवोरस प्लांट। बताइए इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं? फिर भी बेटा वो जिस एरिया में ग्रो कर रहे होते हैं उस एरिया में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट इसीलिए इन्हें बोलते हैं। चूंकि इस दुनिया में इंसेक्टिवोरस प्लांट कार्निवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और अफ्रीकन फॉरेस्ट में इवन बड़े बड़े जानवरों को खाने वाले भी पौधे होंगे। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने देखा है कि उन जंगलों में पहुंच जाओ तो पौधे ही तुम्हें खा जाएंगे, पर ये सुनी सुनाई बातें हैं। अगर डिस्कवरी में आपने देखा है तो मुझे भी बताइएगा, नहीं देखा है तो सुनी सुनाई बातें। हाँ, लेकिन इंसेक्ट को खाने वाले पौधे हैं, इस बात को प्रूव किया जा चुका और हैं भी। तो इनकी लिस्ट है, इट इज ड्रोसेरा ऑल्सो नोन एज सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ओके डायनिया, इसके अलावा ब्लैडर वर्ट, नेपेंथीज दैट इज पिचर प्लांट। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो इंसेक्ट को खाने के लिए अपनी लीफ का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। सो दिस वॉज द लीफ माई डियर। और अब आप देखो मॉर्फोलॉजी में छह चीजों में तीन चीजें तुम पढ़ चुके हो रूट, तुम पढ़ चुके हो स्टेम, और तुम पढ़ चुके हो लीफ, और इनके मॉडिफिकेशन भी पढ़ चुके। अब जो पोर्शन चालू होने जा रहा है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसी पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन इज फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो अब तक जैसा निपटा लिया, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस वाला पोर्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आपकी ज़िंदगी में फैमिली बहुत बड़ा भूत बनकर आ जाएंगी। तो जो फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनको समझने के लिए फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ अब चालू होने वाले हैं वो फोकस्ड होकर के बैठ जाएं, क्योंकि फैमिली आपकी जेब में पहुंचा दूंगा मैं। जब तक कि रियल फैमिली पढ़ने का टाइम आएगा, फैमिलीज की आधी बातें आपको आ चुकी होंगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। बताओ कितनी मॉर्फोलॉजी में कितने पार्ट पढ़ने थे? छः पढ़ने थे। बोलो क्या क्या? पक्का? कितने पढ़ डाले? तीन पढ़ डाले। बच्चे कितने हैं? तीन, चार। आज हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन है फ्लावर से रिलेटेड, इट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। बातें नहीं बेटा, अब इधर देखो सारे लोग, जब तक सारे लोग नहीं देखेंगे तो फिर मैं ऐसे खड़ा रहूं। अब देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने बताया कि भैया रूट है, स्टेम है, लीफ है, बहुत अच्छी बात। लेकिन इन रूट, स्टेम, लीफ के बाद हमारे पौधों में एक एक्सिस निकलती है, दैट इज नोन एज फ्लोरल एक्सिस।
ये नॉर्मल स्टेम में निकलने वाली अलग से एक एक्सिस है, ऑल्सो नोन एज पेडेंकल। इस फ्लोरल एक्सिस से निकलती हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थ्रेड लाइक, दीज आर नोन एज पेडिसेल। और इन पेडिसेल के ऊपर बड्स होंगी या फिर फ्लावर होंगे, दोनों हो सकते हैं। तो याद रखना, फ्लावर और बड का अरेंजमेंट अपॉन पेडेंकल, इट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। सर आए नहीं, फिर सुनो, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर या फिर बड का अरेंजमेंट कहां पर हो रहा है? फ्लोरल एक्सिस पर, ऑल्सो नोन एज पेडेंकल, इट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। नींद आ रही है? What is inflorescence? मैं ऐसे नहीं मानूंगा। What is inflorescence? Arrangement of flower and bud upon floral axis. फिर से बोलो, floral axis. Floral axis पर flower और buds का arrangement, it is known as inflorescence. फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम पेडेंकल। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर सेसाइल होकर अटैच्ड होते हैं? नो। क्या उनके पास कोई स्टॉक होता है? यस। नाम बताओ, पेडिसेल। फिर से बोलो, पेडिसेल। खुद ही कुछ नहीं मालूम तो क्या करोगे? अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे तरीके से। तुम्हारा तरीका यह है कि कभी कभी आप खुशी में किसी ना किसी को गुलाब देते हैं। हाँ, खुश हो गए, वाह। तो गुलाब को जिस डंडी से पकड़ के देते हैं, दैट डंडी इज पेडिसेल। अच्छा सर, सही बताओ। हाँ, दैट डंडी इज, पर ये गुलाब की बजाय चाइना रोज समझो, क्योंकि गुलाब इज अ बंच, वो थोड़ा गड़बड़ है, अलग तरीके का फ्लावर है। आप चाइना रोज समझ लो। एक बंदा गया रोज लेने, महंगा था तो चाइना रोज लेके चला आया। मजाक नहीं समझे ना, अभी समझो। एक बंदा गया बढ़िया मोबाइल फोन लेने, नहीं मिला तो चाइना मोबाइल लेके आ गया। व्हेन यू गो फॉर सस्ता, इट इज चाइना। व्हेन यू गो फॉर महंगा, इट इज ओरिजिनल। रोज इज ओरिजिनल, ओरिजिनल रोज, और चाइना रोज इज चाइना। व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ चाइना रोज? हाँ, गुड़हल। बोले सर वो चाइना रोज, वो चाइना रोज होता जो बेकार रोज होता है। ना पढ़ो, लो हम भी बैठे, खुश रहो और ऐसे कोर्स पूरा हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा भगवान, कोर्स पूरा हो जाए। हे भगवान, 5 महीना हम बैठ रहे हैं, हो जाए, हो जाएगा। तो वहां बतिया का रहे हो भाई, क्या ये बता रहे हो पिछली बार चाइना रोज दिया था तो थप्पड़ पड़ा था? हाँ, अभी जनवरी फरवरी में तुम्हारा एक त्योहार आने वाला है बेटा। हफ्ते भर मनाते हो तुम लोग। सर आज रोज डे है, फिर चॉकलेट डे है, उसका सबसे बढ़िया डे में लगता है स्लैब डे, और उस दिन मैं सबको थप्पड़ मारता हूँ। 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 में एक जवाब नहीं दे पाओगे, थप्पड़ पड़ेगा। आप फिर से सुनो रिलैक्स होकर, ताकि इमेज बन सके, वरना पेडिसल और पेडेंकल में ही आधे समय तक लोग खराब दिमाग लगाते रहते हैं, समझ में कुछ आता नहीं। अगर ये मेन स्टेम है जिसमें रूट स्टेम लीफ वाला मेन स्टेम है, ये रहा वो रूट स्टेम लीफ वाला मेन स्टेम, इसमें पत्तियां निकली, इन पत्तियों से जहां इस मेन स्टेम से एक ब्रांच निकली है जिसको आप फ्लोरल एक्सिस बोलते हो, मैंने व्हाइट कलर की बना दी, इट इज फ्लोरल एक्सिस। और इस फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम है पेडेंकल, और इस पेडेंकल पर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है,
जिनका नाम है पेडिसल, और इन पेडिसल का फूला हुआ पार्ट है थैलमस, और इस थैलमस पर या तो निकला है फ्लावर इटसेल्फ या फिर निकली है बड। अब एज्यूम करो फ्लावर जिस डंडी में है उसका नाम पेडिसल, हाँ? ऐसे बहुत सारे फ्लावर अपनी अपनी डंडियों के साथ है, नाम बताओ, और ये सारी पेडिसल जिस एक्सिस पर जुड़ रही है उसका नाम पेडेंकल, फिर से बोलो, उसका दूसरा नाम फ्लोरल एक्सिस। तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर एंड बर्ड्स अपॉन फ्लोरल एक्सिस, अपॉन स्टेम अपॉन फ्लोरल एक्सिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेडेंकल, इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। अब बताओ व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और फ्लोरल बड अपॉन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो अब जब मैं पूछूंगा व्हाट इज पेडिसल, पेडिसल इज स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर जिसका स्वेलन पार्ट इज थैलमस, फिर से बोलो, और जिस पे क्या निकलेगा फ्लावर। पेडिसल अलग चीज है, पेडेंकल अलग चीज है, फ्लोरल एक्सिस अलग चीज है, पेडेंकल और फ्लोरल एक्सिस एक ही बात है। तो इस फ्लोरल एक्सिस पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं फ्लोरल एक्सिस कहूं तो स्टेम मत समझिएगा, आपकी बड़ी गंदी आदत है, मैं बोलूंगा फ्लोरल एक्सिस आप समझोगे स्टेम, क्योंकि मैं अभी इस फ्लोरल एक्सिस को सीधा बनाऊंगा तब आपको लगेगा सर स्टेम बना रहे, इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाती, समझाते समझाते मैं आफत में आ जाता हूं। एक बार और सुन लो, स्टेम और फ्लोरल एक्सिस एक ही बात की अलग अलग, फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम, फ्लोरल एक्सिस पे जो स्टॉक है उनका नाम पेडिसल, तो पेडिसल और पेडेंकल एक ही बात के अलग अलग, अलग अलग, तो तीन शब्द हो गए, बोलो कौन, पेडिसल पेडेंकल स्टेम, फिर से बोलो पेडिसल पेडेंकल स्टेम, बोलो पेडिसल फ्लोरल एक्सिस स्टेम, और तीनों एक ही बात के अलग अलग। नाउ व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? Arrangement of flower upon floral axis is known as inflorescence. Thank you very much. अब ध्यान सुनना, बोलते हैं कि अगर स्टेम के, यहां पर रखना, फ्लोरल एक्सिस नहीं बोला मैंने, अगर स्टेम के एपेक्स में एक फ्लावर निकल आए तो यह हमेशा सॉलिटरी फ्लावर होगा। सॉलिटरी फ्लावर का मतलब है अकेला फ्लावर होगा, सॉलिटरी फ्लावर। या कभी कभी यूं निकले कि जहां से पेडेंकल निकलने वाला था, क्या निकलने वाला था, पेडेंकल, मेन स्टेम ये रही, ब्रांच रही है, ये ब्रांच, ये लीफ भी हो सकती, जहां से पेडेंकल निकलने वाला था वहां पर भी एक फ्लावर निकल आया, इट इज अगेन अ सॉलिटरी फ्लावर। अकेला फ्लावर जो रह जाता है इट इज नोन एज सॉलिटरी फ्लावर। तो जब कभी किसी स्टेम के अपेक्स में एक फ्लावर निकले इट इज सॉलिटरी फ्लावर, या एग्जाइल पर एक फ्लावर निकले इट इज अ सॉलिटरी फ्लावर। इस तरीके का सॉलिटरी फ्लावर है पॉपी, और इस तरीके का सॉलिटरी फ्लावर है चाइना रोज। आपकी बुक ने इनके एग्जाम्पल ना देके केवल शब्द यूज किया है सॉलिटरी फ्लावर। व्हेन द स्टेम अपेक्स चेंजेस इनटू फ्लावर
इट विल बी सिंगल और मैनी फ्लावर, सिंगल एंड दैट सिंगल फ्लावर, इस सिंगल फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिटरी फ्लावर। और सॉलिटरी फ्लावर दो प्रकार के, एक सॉलिटरी टर्मिनल, टर्मिनल पोजीशन पे सॉलिटरी फ्लावर निकले, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर इट इज पॉपी, और एक है एक्सिलरी सॉलिटरी फ्लावर, एक्साइल पर अकेला फ्लावर निकले, एक्सिलरी सॉलिटरी फ्लावर इट इज नोन एज चाइना रोज। These are the solitary flowers. अभी भी नहीं आया सर, आप जो बोल रहे हम रट्टा मार ले रहे। क्या मैंने यहाँ फ्लोरल एक्सिस की बात की? सुनोगे नहीं तो आएगा कैसे, चिल्लाओ मेरे साथ। पेडिसेल अलग है, पेडेंकल अलग है, स्टेम अलग है। यहाँ मैं पेडिसेल की बात, पेडेंकल की बात, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेम। तो जहां पर पेडंकल निकलनी चाहिए वहां क्या निकला है, फ्लावर, पेडंकल की फ्लावर। तो जहां पर क्या निकलनी चाहिए थी, पेडंकल, वहां क्या निकली, फ्लावर। कहानी ये है, स्टेम में निकलेगा पेडंकल और पेडंकल में निकलेगा पेडिसेल, पर अगर स्टेम में डायरेक्ट पेडिसेल निकल जाए, स्टेम में, इसका मतलब एक्सिस यानी फ्लावर की एक्सिस, इसका मतलब वो फ्लावर एक है कि मैनी, एक, और ऐसे फ्लावर का नाम सॉलिटरी फ्लावर। कितने प्रकार के, दो, एक कौन सॉलिटरी टर्मिनल और एक सॉलिटरी एक्सिल। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार का है, बाकी तो लोग सो ही रहे, तो जिन लोग जो लोग जाग रहे वही समझ लें। मेन स्टेम निकला बार, ये रहा मेन स्टेम। मेन स्टेम में फ्लावर एक्सिस निकली, ये रही फ्लावर एक्सिस। फ्लावर एक्सिस ऑल्सो नोन एज, ना दो जवाब हम ऐसे बैठे, क्या बोलेंगे, पेडंकल। और ये फ्लोरल एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रही, क्या कर रही है, और पीछे की तरफ से पेडिसेल निकालती जा रही है। सबसे पुराने फ्लावर नीचे, उसके नए फ्लावर ऊपर, और अभी भी ये एक्सिस रुक नहीं रही है, नए नए फ्लावर निकालती जा रही है और ये एक्सिस बढ़ती जा रही है, नए नए फ्लावर निकालती जा रही है और ये एक्सिस बढ़ती जा रही है। तो बताओ ऐसी कंडीशन में ओल्ड फ्लावर, बताओ बेस में कि अपेक्स में, बेस, और न्यू फ्लावर अपेक्स, अपेक्स में, और अगर न्यू फ्लावर अपेक्स में और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एक्सिस है, कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग एक्सिस, तो इस तरीके के सक्सेशन का नाम होगा एक्रोपिटल सक्सेशन। बोलो क्या नाम है, और इस तरीके के अरेंजमेंट का नाम होगा रेसिमोस। बोलो क्या नाम, रेसिमोस। आधे लोग उल्टी कर देंगे, सर अब ये क्या बात हो गई, ऐसे कोई पढ़ाता है क्या, सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बताओ एक इनफ्लोरेसेंस जिसका नाम है रेसिमोस, क्या रेसिमोस, उसमें जो जो तुम्हें दिखता जाए वो मैं लिखता जाऊंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखूंगा, मैं केवल पूछूंगा, बताओ एक्सिस ग्रो करना रुक गई कि कॉन्टिन्यूस। तो पहला पॉइंट, एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, एक्रोपिटल सक्सेशन, थैंक यू वेरी मच। और एक्रोपिटल सक्सेशन में पॉइंट क्या, ओल्ड फ्लावर एट बेस एंड न्यू एट अपेक्स। बताओ इस तरीके के इनफ्लोरेसेंस का नाम रेसिमोस, क्या नाम, रेसिमोस।
और जो लोग ये देख करके घबरा रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा सकता हूं और करवाऊंगा भी। ऐसे बताओ, पहले हम एक्सिस बनाएं कि स्टेम, मेरे साथ मदद करो, क्या बनाएं? स्टेम की रूट बन गई, स्टेम बन गया, लीफ बन गई। अब इसको छोड़ दो, अब इसमें एक्सिस बनाएं। कौन सी एक्सिस? मान लीजिए ये एक्सिस का नाम क्या है? फ्लोरल एक्सिस। बताओ फ्लोरल एक्सिस है। तो शुरुआत से फ्लोरल एक्सिस इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी रही होगी। क्या ये फ्लोरल एक्सिस निकल रही है? क्या इसमें फ्लावर निकले? और फ्लावर निकलने के बाद एक्सिस चलना बंद हो गई, आगे बढ़ी, फिर से फ्लावर निकले, फिर से फ्लावर निकले, एक्सिस और आगे बढ़ गई, फिर से फ्लावर निकले। तो बताओ सबसे पुराने फ्लावर कहाँ है? क्या ये ओल्ड फ्लावर है? ये न्यू फ्लावर है? और एक्सिस अभी रुकी, चल रही है? तीन बताओ, तीन बताओ। एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रही है, ओल्ड फ्लावर बेस, न्यू फ्लावर सक्सेशन, एक्रोपिटल, फिर से बोलो, कंडीशन का नाम रेसिमो। अब अगर रेसिमोस की तीन कंडीशन नहीं आती तो या तो तुम बेवकूफ या तो मैं, दोनों में एक तो है, दोनों है। हाँ बोलो, क्या आपको रेसिमोस याद है? व्हाट इज रेसिमोस? एक्सिस रुक गई कि ग्रो कर रहे है? ग्रो कर रहे है। हाँ ग्रो कर रही है। और बताओ ग्रो करते वक्त नए नए फूल निकाल रही है? पुराने फ्लावर नीचे, नए फ्लावर ऊपर है। सक्सेशन का नाम एक्रोपिटल सक्सेशन। अब जरा दूसरा देखना, बड़ा मजेदार। अभी ये रहा स्टेम, ये रहा स्टेम, ध्यान से देखना। और इसमें निकली एक्सिस, जैसे ही एक्सिस निकली, एक्सिस के एपेक्स में निकल आया फ्लावर। अब कुछ लोग इसे सोलिटरी फ्लावर कहेंगे, मारेंगे थप्पड़। सॉलिटरी फ्लावर एक्सिस में निकलता था कि स्टेम में? स्टेम में, याद आया? और जैसे ही इसके एपेक्स में फ्लावर निकला, एक्सिस स्टॉप टू ग्रोइंग, यानी एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो करेगी कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो सबसे पुराना फ्लावर, सबसे पुराना फ्लावर सबसे ऊपर, और अब इसमें नई कलियां निकल रही, नई कलियां निकल रही, ये निकली तो अब ये फ्लावर निकला, और सबसे नई कलियां सबसे नीचे निकली। दिस इस कंडीशन में सबसे न्यू फ्लावर, पता नहीं, मारेंगे। सबसे नए फ्लावर और सबसे पुराना एपेक्स। इस तरीके के कंडीशन को बोलेंगे बेसिपिटल सक्सेशन। बोलो क्या नाम है? इट इज बेसिपिटल सक्सेशन। और ये वाले का नाम एक्रोपिटल सक्सेशन। अब अंतर बताओ, जो जो मैं बोलूं, एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो कि स्टॉप? तो एक्सिस की तो बात है कि सर एक्सिस तो स्टॉप हो गई, स्टॉप ग्रोइंग। दूसरा ओल्ड फ्लावर एपेक्स, अबास, न्यू फ्लावर बेस। और बताओ सक्सेशन, एक्रोपिटल की बेसिपिटल? बेसिक। और इस तरीके के इनफ्लोरेसेंस का नाम होगा साइमोस। फिर से बोलो, तो एक हो गया रेसिमोस और दूसरा क्या हो गया? साइमोस। जब ऐसे काम नहीं चल पाता बच्चों का, तब मैं ऐसे पढ़ाता हूं, कैसे? चार्ट बना के। और तब आप रट्टा मार मार के पढ़ते हो, सर अब आ गया सर, तो मैं दोनों ही काम कर दे रहा हूं। इनफ्लोरेसेंस में तीन कंडीशन, पहली कंडीशन सॉलिटरी फ्लावर, दूसरी कंडीशन रेसिमोस, तीसरी कंडीशन साइमोस, और भाइयों बहनों चौथी कंडीशन भी है स्पेशल, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो बताओ इनफ्लोरेसेंस में टोटल कितनी कंडीशन? चार, तीन की चार, चार। पहला बोलो सॉलिटरी, रेसिमो, साइमो, स्पेशल। अभी मैंने स्पेशल छुआ भी नहीं,
डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अपॉन फ्लोरल एक्सिस. पक्का? कितने तरीके से? चार. नंबर वन सॉलिटरी, रेसिमो, साइमो, स्पेसर. आओ, सॉलिटरी दो प्रकार के, एक टर्मिनल, बोलो कौन, और एक कौन एक्सिलरी. हटा दो इसे. ऑन द रेसिमोज कंडीशन लिखो, तीन कंडीशन लिखनी है. एक्सिस, एक्सिस कॉन्टिन्यूअस ग्रो करेगी. लिखना पड़ेगा, नहीं मैं बोलता रहूंगा. कॉन्टिन्यूअस ग्रो करेगी. ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर बेस होगा. शाबाश. न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर सर अपेक्स होगा. कंडीशन का नाम एक्रोपिटल. फिर से बोलो, एक्रोपिटल सक्सेशन. बताओ कौन, साइमोस के रेसिमोस? रेसिमोस. साइमोस के रेसिमोस? रेसिमोस. अब बताओ साइमोस बताओगे? बोलो इसका उल्टा करते जाओ. एक्सिस, एक्सिस स्टॉप ग्रोइंग है. तो क्या एक ही फ्लावर निकले कि मैनी? मैनी. बताओ न्यू फ्लावर, ओल्ड फ्लावर अपेक्स होगा, फ्लावर बेस होगा. सक्सेशन का नाम बेसी पिटल. दीज आर द कंडीशन रिलेटेड विद इनफ्लोरेसेंस. ओके, क्या टाइम हो गया? खैर, स्पेशल में तीन कंडीशन है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा. एक है साइएथियम, एक है वर्टिसिलास्टर और एक है हाइपनथोडियम, जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे क्वेश्चन आएंगे. तो फिलहाल अभी टाइम हो गया है, आज इनफ्लोरेसेंस को हम लोग हेडिंग्स में छोड़ देते हैं, कल पूछेंगे और आगे पढ़ाएंगे. बोलो कितनी हेडिंग है? तीन की चार. बोलो बोलो, सॉलिटरी, रेसिमो, साइमो और स्पेसर. ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच. बड़ी जल्दबाजी में करो, जाओ 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 जाओ.